कलम ने सेखा था, कलम ने सीखा था, हमारा पाप का अंध यीशु मसीह का क्रूस पर है, वही था मेरा संदेश। हमारा पाप का अंध खत्म हो जाता है, उद्धार पाने से पहले किया हो या उद्धार पाने के बाद किया हो, छोटा पाप किया हो बड़ा पाप किया हो, जितना पाप हमने किया है सारे पाप का अंध यीशु मसीह का क्रूस का नीचे होते हैं। कल ईस्टर है, ईस्टर किसको कहते हैं? यीशु मसीह जी उठने का। शनिवार को रात को यीशु मसीह जी उठा था, शनिवार को रात को। इतवार कल ईस्टर का दिन है, यीशु मसीह का जी उठना, पुनरुत्थान हम मना रहे हैं। लेकिन ये भी बोलूं, यीशु मसीह का मौत गुड फ्राइडे का दिन में नहीं हुआ है, गर्मी का मौसम में नहीं हुआ है, सर्दी का मौसम में हुआ है। मैंने 7 बार यरूशलेम में जा चुका है और जब मेरे साथ जो चलते हैं मैं उनको समझाता हूँ, इधर ये हुआ है, इधर ये घटना हुआ है, इधर ये घटना हुआ है, अभी आप जाएगा तो आपको सब दिखाई देंगे। और मैं उनको ये भी बताता हूँ, यीशु मसीह का मौत गर्मी का मौसम में नहीं हुआ है, सर्दी का मौसम में हुआ था। लेकिन यीशु मसीह का जन्म वो तो गर्मी का मौसम में हुआ था, सबूत के साथ मैं वहां सिखाता हूं। फिर आप शायद पूछेगा, फिर क्यों आप गुड फ्राइडे ये गर्मी का, अरे सब मनाता है, हम भी एक दिन मना लेता है, लेकिन इतना याद रखें ये दिन में नहीं है, लेकिन ये इतवार को, पक्का इतवार को। एक ये भी बोलूं, यीशु मसीह का मौत कब हुआ है, कौन सा दिन हुआ है, फ्राइडे को? नहीं मालूम है, नहीं मेरे ख्याल में, मैं बाइबल स्कॉलर नहीं है, मैं बाइबल का पंडित नहीं है, मैं ऐसा एक प्रचारक हूं। लेकिन बाइबल पंडित लोगों को पूछेगा तो बोलेगा फ्राइडे को नहीं हो सकता है, सबूत नहीं है, हो सकता है वीरवार को हो, थर्सडे को हो, कुछ लोग बोलते हैं बुधवार को हो। मेरा ख्याल में, मैं बाइबल स्टूडेंट है, सीखने वाला है, वीरवार को हो गया होगा। लेकिन सब शुक्रवार मानता है, हम भी बोलता है ठीक है शुक्रवार को मनाओ यार। समझ लो एक जगह पर एक बच्चा पैदा हो गया, उसका जन्म पत्री नहीं है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, बाद में जाकर के उसको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ा है, बर्थ सर्टिफिकेट, एक डेट ऐसा लिख करके देना पड़ेगा, कोई ना कोई एक डेट। वैसा हम भी बोलते हैं, सब मनाता है फ्राइडे, हम भी मनाएंगे फ्राइडे को। लेकिन सबूत है यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जी उठना, शनिवार को रात को, इतवार को सवेरे सवेरे हुआ है। ठीक है, हम रविवार पर आएंगे, रविवार पर आएंगे। मेरा जैसा कल का संदेश है, आज का भी संदेश थोड़ा फर्क सा है। शायद मीटिंग में आने वाला ये सोचेंगे ये प्रचार करेगा, ये यीशु मसीह का खबर के बारे में कुछ प्रचार करेगा, वो भी बताएंगे, हंसते बताएगा। लेकिन मैं बाइबल से प्रचार करने के लिए चाहता हूँ दानियल का किताब, दानियल का किताब। मालूम है दानियल का किताब कहाँ है? बाइबल में कहीं ना कहीं है। मेरे परमेश्वर मेरा भी मदद करें, हमें मिल जाए, हालेलुया। दानियल का किताब उसका 4वां अध्याय, दानियल का किताब 4, दानियल का किताब कहाँ है मालूम? आपको समय दे रहा हूँ निकालने के लिए, सुनिए। सब लोगों को जल्दी जल्दी बाइबल नहीं मिलता है, आपको नहीं मिला है कोई बात नहीं, आस्ते ढूंढें। साथ बैठने वालों चाहिए तो आप उनका मदद भी कर सकते हैं, अगर कोई ज्यादा ढूंढता है उनका थोड़ा मदद भी कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ, आपके पास बाइबल होना चाहिए, आपके पास नोटबुक होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, लिखने का कोशिश करें। आप प्रचारक नहीं हो, लेकिन लिखकर रखने से दोबारा पढ़ेगा तो आपको समझ में आएंगे। उदाहरण के लिए कल मैंने प्रचार किया, अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको आज याद ही नहीं होगा। अगर पीजी वर्गीस ने बोला था 3 बकरी के बारे में, कौन सा बकरी है, आपको ढूंढेगा तो भी मिलना मुश्किल है, इसलिए लिखना अच्छा है। टीचर्स बोलता है, बाइबल टीचर्स नहीं, टीचर्स बोलता है, जो स्टूडेंट विद्यार्थी सुनता है उसका 40% उसको याद रहेगा, अगर वो अच्छा दिमाग का है तो 60% याद रहेगा, अगर वो लिख लिया तो 80% याद रहेगा, उसने डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा है तो, सुने लिखे और कुछ देखा। इसलिए मैं कुछ लेकर चलता हूँ हमेशा, कुछ एक्टिंग करना मुझे अच्छा लगता है, ताकि जो सुनने वालों का दिमाग में बैठ जाए। दानियल का किताब
उसका चारवां अध्याय उसका 23 पद 23 द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 4 वर्स 23। कल किसी ने मेरे से बोला है आज जो बाइबल वर्स बोलेंगे थोड़ा अंग्रेजी में भी बोला करें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको हिंदी अच्छी तरह नहीं आते हैं, खास करके जो साउथ इंडिया से है। उसका 23वां पद, एंड वेयर एज द किंग सॉ ए वॉचर, दानियल 4:23, एंड एन होली वन कमिंग डाउन फ्रॉम हेवन एंड सेइंग, हिव द ट्री डाउन एंड डिस्ट्रॉय इट, yet leave the stump of the roots thereof on the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field, and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts of the field, till 7 times pass over him. दानियल का किताब समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे भी अभी भी अच्छी तरह समझ में नहीं आता, सच बोलो। नहीं, मेरे को भी अभी भी समझ में अच्छी तरह समझ में नहीं आता है दानियल का किताब। कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। ये भी आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं सरल भाषा में आपको समझाएंगे, आपको जल्दी समझ में आएंगे। परमेश्वर बोलता है वो पेड़ को काट दो, उसका शाखा को भी काट दो, वो पेड़ को एकदम नाश करें, डिस्ट्रॉय इट, नाश करें, लेकिन उसका जो जड़ है उसको कुछ नहीं करना, उसको रख देना। सवाल, ये कौन सा है पेड़? ये नबूकदनेस्सर राजा है। नबूकदनेस्सर राजा कौन है? बाबलोन देश का राजा है। बाबलोन, अब लिख रहे हैं जो लिखना आता है लिखें, नोटबुक है लिखें, बाबलोन और नबूकदनेस्सर राजा। बाबलोन कौन सा देश है? जैसा आज का अमेरिका है वैसा विश्व ताकतवान शक्ति है, राज्य है। हाँ, जब अमेरिका है, मैंने दिन का टाइम पर बता रहा था, हम अमेरिका का सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन चाइना भी आगे आ रहा है, हो सकते कल चाइना हो। हिंदुस्तान भी पीछे है, हो सकते हिंदुस्तान हो। एक देश हमेशा पावर में नहीं रहेंगे, इतिहास जो जानता है उनको मालूम है। एक राज, एक देश हमेशा नंबर वन नहीं रहेगा, एक भाषा हमेशा नंबर वन नहीं रहेगा। पहले फ्रेंच था, अभी फ्रेंच जानने वाला बहुत कम लोग है, अभी अंग्रेजी है, लेकिन हमें पता नहीं कितना साल अंग्रेजी नंबर वन होगा। हमें नहीं मालूम अमेरिका कितना, हम अमेरिका का सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई गलत नहीं समझना, हम किसी का सपोर्ट नहीं, हम स्वर्ग का सपोर्ट है, हम यीशु मसीह का सपोर्ट है, परमेश्वर का सपोर्ट में, और किसी का नहीं। वैसा उस वक्त का नंबर वन पावर है बाबलोन, और उधर का राजा का नाम है नबूकदनेस्सर, और परमेश्वर बोलता है इस पेड़ को काटो, बड़ा पेड़। आपने कोई बड़ा पेड़ देखा होगा, साधारण पेड़ नहीं, बहुत बड़ा पेड़, और पेड़ को काट दो और उसका शाखा को भी काट दो, लेकिन उसका लकड़ी को भी काट दो, लेकिन उसका जड़ जो है रख देना। कैसा रखना है? उसको तार से, लोहा और तांबा का तार से बांध के रख देना। क्यों? ये पहली बात, ये राजा को क्यों काट रहे परमेश्वर? सुनिए, वो घमंडी हो गया। परमेश्वर का नजर में सबसे बड़ा पापों में से एक पाप है घमंडी। आप और मैं कोशिश करना है हमारे जिंदगी में घमंडी ना आए। कभी कभी घमंडी आ जाता है, एक अच्छा गाना कोई गाए उनको घमंडी आ जाएगा, अरे मैंने अच्छा गाना गाया, दूसरा गाया अच्छा नहीं है। अगर कोई अच्छा प्रचार करे सोचेगा, अरे दूसरे को प्रचार करना थोड़ी आता है, मेरे को अच्छा प्रचार करना आता है। समझो कोई प्रार्थना करने का वक्त चमत्कार, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बहुत चमत्कार हुआ है। किसी ने प्रार्थना किया, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। जिसका प्रार्थना से चमत्कार हो गया घमंडी हो सकता है। समझ लो एक जगह पर एक बहन है, उसको 3 बच्चे हैं, तीनों MBBS पास किया है, थोड़ा सा घमंडी तो जरूर आएंगे। मुझे भी हुआ था, मैं कश्मीर में था फौज में, उधर से नौकरी छोड़ा, प्रभु का सेवकाई के लिए गया। पास्टर अनिल मेरे को आज बता रहा था, वो उधर जा चुका है 2-3 बार। उधर जा करके मैंने प्रचार किया, 6वां महीना में 18 लोग बपतिस्मा लिया। अभी सुनिए, आप सोचेगा 18 तो थोड़ी सी नंबर है, अब सोचेगा 18 तो थोड़ा सा नंबर है, नहीं नहीं,
जम्मू कश्मीर का इतिहास में 18 बहुत बड़ा था, क्योंकि उस दिन तक जम्मू कश्मीर का इतिहास में किसी पास्टर ने, ना हिंदुस्तान का या बाहर का मिशनरी, कोई भी 12 लोगों को बपतिस्मा नहीं दिया। मेरा पास्टर भी 10 साल के अंदर 12 लोगों को बपतिस्मा दिया, 12 से ज्यादा बपतिस्मा नहीं हुआ है। लेकिन मैं गया है, मैं 10 क्लास ही पढ़ा है, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन मैं प्रचार करने के वक्त 6वां महीना में 18 लोग, थोड़ा सा गबंडी हो गया। अरे मेरा पास्टर प्रचार करने के बावजूद भी सिर्फ 12 ही हुआ है 10 साल में, मेरा तो 6 महीना में 18 हो गया, थोड़ा सा गबंडी हो गया। लेकिन अगले महीने में फिर 18 और थोड़ा गबंडी हो गया, अगले महीने में फिर 18, मेरा गबंडी थोड़ा बढ़ गया, अगला महीने में 56, तो गबंडी होना ही है, गबंडी हो गया। लेकिन उस वक्त मुझे याद आया, मेरे मम्मी थोड़ा पढ़े लिखे, उसने मुझे, हमें हम बच्चों को सबको बहुत उपदेश देता था, उसने एक ऐसा उपदेश दिया था, नीमी जमीन पर पानी बहती है, इसलिए बेटा गमंडी नहीं होना। वो मेरे को याद आया, नीमी जमीन पर पानी बहते हैं, पहाड़ पर नहीं बहते हैं, पहाड़ से नीमी जमीन को बहते हैं। मैंने बिली ग्रहम का जीवन कहानी पढ़ा था। बिली ग्रहम कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रचारक, 3 हफ्ता ही हुआ है मौत हो गया उनका। उसको मैंने मिला था 1983 में, उसने एक उपदेश दिया था, उससे पहले भी उपदेश दिया था उसका किताब से, नीति वचन 1 अध्याय रोज पढ़ना, उसका ससुर उसको सिखाया था। और बिली ग्रहम को जब 1983 में मिला, उसने भी हमको सिखाया नीति वचन 1 अध्याय रोज पढ़ना। क्यों? नीति वचन पढ़ने से आपका पड़ोसी के साथ जो रिश्ता है वो सही रहेगा, नहीं तो घमंडी हो सकता है। इसलिए मैं, मेरा पत्नी और मेरा बच्चे, हम नीति वचन 1 अध्याय रोज पढ़ता है। सुनिए, अगर आप क्रिश्चियन नहीं है तो भी आपने किसी, आपको किसी ने बुला के लाया होगा, एक बाइबल लेकर जाए और पढ़ने का कोशिश करें नीति वचन 1 अध्याय रोज। आपको मालूम है महात्मा गांधी अपना आश्रम में बाइबल सिखाता था, आपको मालूम है? डॉक्टर राधाकृष्णन रोज बाइबल पढ़ता था, आपको मालूम है? रविंद्रनाथ ठाकुर रोज बाइबल पढ़ता था, आपको मालूम? आपको मालूम है इंदिरा गांधी रोज बाइबल पढ़ती थी? मेरे पास सबूत है, रोज पढ़ती थी। इसलिए बाइबल पढ़ना अच्छा है, वो दिमाग दिएंगे, अक्ल दिएंगे, ज्ञान दिएंगे, विश्डम दिएंगे। हाँ हाँ, इसलिए जब मैंने नीति वचन पढ़ता था, नीति वचन में भी बोला है जो घमंडी है वो गिर जाता है। इसलिए मैंने फैसला किया मैं घमंडी नहीं होगा। अरे अभी 100 लोग ही बपतिस्मा लिया, 200 हो जाएं, 400 हो जाएं, 500 हो जाएं, मैंने फैसला किया घमंडी नहीं होंगे। मैं आपसे भी बोलता हूं, आपका खूबसूरती को देखे घमंडी नहीं होना। कभी कभी खूबसूरत लड़की होंगे जो देखने के लिए अच्छे नहीं है, काली है, दांत भी थोड़ा उठी होगी, उनको देखे लगा रहे देखो ये कैसा है। सुनिए, घमंडी नहीं होना। आपके पास पैसा ज्यादा होगा, आपका प्रचार अच्छा होगा, आपका गवाही अच्छा होगा, आप अच्छी तरह एक्टिंग करता होगा, अच्छी तरह गाना गा सकता होगा, लेकिन घमंडी नहीं होना। यश आदमी ने घमंडी हो गया राजा होने के वक्त, बोला मेरा बाजू ने यह सब कुछ किया है। परमेश्वर ने बोला इस पेड़ को काट दो, घमंडी को काटने का दिल लगता है परमेश्वर को, बोला इस पेड़ को काट दो, लकड़ी भी काट दो, उसका शाखा को भी काट दो, लेकिन उसका जड़ रख देना। क्यों जड़ को रखना है? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है एक कुछ साल के बाद ये पश्चाताप करेगा, मन परिवर्तन हो जाएगा, पश्चाताप करेगा, उस वक्त मैं इनको आशीष देने के लिए चाहता हूं। सुनिए, ऐसा एक कहावत है, यहूदी लोगों का बोली है, लिखना है तो लिख लो, उनका प्रोवर्ब है, उनका बोली है, गलती करना गलती नहीं है, लिखना है तो लिख लो, गलती करना गलती नहीं है, गलती से नहीं सीखना बड़ा गलती है। इंग्लिश में बोलो, मेकिंग ए मिस्टेक इज नॉट ए मिस्टेक, बट नॉट लर्निंग फ्रॉम ए मिस्टेक इज द मिस्टेक। मैंने कब सुना था? करीब 25 साल पहले, अभी मेरा दिमाग में, जब मैं प्रोवर्ब्स को सुनता हूं, मैं एकदम अपना दिमाग में कर लेता हूं, कई लिखकर डाल देता हूं। इसलिए कभी गलती हो जाता है, क्या करना है? पश्चाताप करना, परमेश्वर के पास जाना है, मेरे से गलती हो गया खुदा मुझे माफी दो। एक सवाल पूछता हूं, सोचें, आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर शाम को आया आदम के साथ चलने के लिए, और परमेश्वर ने पूछा तूने गलती किया? उसने बोला ये
मेरा पत्नी आपने दिया है ना, उसने मेरे को पाप कराया। उसको पूछने के वक्त बोला ये सांप है ना, इसने कहा सोच लो सवाल, अगर ये दोनों परमेश्वर के चरणों पर गिर के हमसे गलती हो गया माफी दे दो बोल दिया तो क्या होते थे? पश्चाताप नहीं किया, ये गलती हमसे ना हो जाए। इसलिए बाइबल में लिखकर रखा है आदम और हव्वा एक दूसरे को ऊपर अपना गलती का बोझ डालता था, इकरार नहीं किया आपसे गलती हो जाए। पंजाबी में बोलता है इंसान गलती का पुतला है। पंजाब में हम 9 साल रहा इसलिए थोड़ा थोड़ा पंजाबी लोगों का भी हाथ हमें मालूम है। जब गलती हो जाता है कोई गलती छोटा बड़ा गलती हो जाए उस वक्त इकरार करें और जिससे गलती किया है इंसान है तो इंसान से माफी मांगे, परमेश्वर से भी माफी मांगे, दोनों से माफी मांगे। मुश्किल है, मुश्किल है, किसी किसी से माफी मांगना मुश्किल है, किसी खास करके दुश्मन के साथ, खास करके अपना सांस के साथ, खास करके अपना बहू के साथ, खास करके अपना दुश्मनी पड़ोसी के साथ माफी मांगे। अक्ल से काम रहे। परमेश्वर ने बोला इसका जड़ रख देना, मलयालम में थोड़ा और गहरी शब्द लिखा है ताईवेर, उसका जड़ का भी जड़ संभाल कर रख देना, क्योंकि एक दिन पश्चाताप करेगा उस वक्त मैं उसको आशीष दे। सुनिए परमेश्वर, सुनिए 10 बार सुनिए, परमेश्वर जब आपको सजा देंगे, परमेश्वर शैतान को बोलेंगे, परमेश्वर सजा नहीं देता है, परमेश्वर सजा देने का अनुमति शैतान को देता है। परमेश्वर सजा दे दिया तो परमेश्वर में भी थोड़ा कलंग है, ये थियोलॉजी है, रहने दो, इतने याद रखें। परमेश्वर शैतान को अनुमति दिएगा तो उसको सजा दे दो, ठीक है, लेकिन उसका जड़ रख देना, जड़ का भी जड़ थोड़ा सा रख देना, क्योंकि एक दिन ये मन परिवर्तन करेंगे, पश्चाताप करेंगे, उस वक्त मैं उनको पुनर्स्थापित करने के लिए चाहता हूं। उसके लिए परमेश्वर को कुछ न कुछ चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। सुनिए 7 साल एक घास खाया, एक इंसान घास खाना, वो तो पशु खाते हैं यार, लेकिन इसने 7 साल उसका वेश बदल गया, उसका शक्ल बदल गया, एक जानवर का जैसा हो गया, उसका बाल जो है बड़े उकाब का पंख पर जैसा हो गया, उसका शक्ल उसका स्वरूप सब बदल गया, वो जंगल में जाकर के घास खाना शुरू किया। लेकिन बाइबल में लिखा है 7 साल के बाद उसको अक्ल वापस आया। अरे 7 साल क्यों लगा है, घास खाने का वक्त पहले आना चाहिए था। सुनिए आपसे गलती ना हो जाए, जब परमेश्वर सजा दिएगा इतना देरी ना करें पश्चाताप करने का। 7 साल के बाद उसने मन परिवर्तन किया, उसने क्या किया है बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है 7 साल के बाद उसने क्या किया है, उसका 36वां पद में लिखा है और 37वां पद में लिखा है, उसने परमेश्वर का स्तुति किया है, परमेश्वर का महिमा किया। क्यों, कब? सजा मिलने पर। मैं आपसे पूछता हूं आप कितना देर परमेश्वर का स्तुति करते हैं? सुनिए मेरा बाइबल क्लास लीजिए, अब मेरा सुनिए संदेश, आप कितना बार यीशु मसीह, कितना देर आप यीशु मसीह का स्तुति करते हैं? एक दिन में 24 घंटे आपको मिला है, 8 घंटा सोने के लिए सोना चाहिए, कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए, किसी किसी को कम। जैसा एक आदमी का जूता अलग अलग साइज का होता है, इंसान को भी सोने का समय का भी लंबाई चौड़ाई फर्क है, कोई कोई 3 घंटा, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन लोग सब 3-4 घंटे ही सोता था, इंदिरा गांधी 3 घंटे सोते थे, उनके लिए इतना काफी था, लेकिन सबके लिए नहीं, कम से कम 6 घंटा सोए। खास करके जब बच्चों का इम्तिहान होता है कोशिश करें कम से कम 7 घंटे सोने का, नहीं तो आप इम्तिहान लिखने के लिए जाएंगे आपका दिमाग सो जाएंगे, लग रहा है क्या लग रहा है पता नहीं। इसलिए बच्चों को रात को सोने दो 7 घंटे। एक चुटकुला और बोलो, एक बहन, एक महिला एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बोला मेरा पति हमें सोने नहीं देता, वो कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाते रहते हैं, ना वो सोते हैं ना हमको सोते है, सोने देती है। काफी देर और डॉक्टर ने बात करने के बाद उसको 5 गोली दिया और बोला ये रात को सोने से पहले एक खाना है। उसने बोला ठीक है मेरे पति को मैं कितना बजे देना, बोला ये पति के लिए नहीं है आप खा लेना, आप सो जाएगा तो वो भी सो जाएंगे।
बच्चों को सोने दो, सात घंटे इम्तिहान का पहला दिन पहला रात को अच्छी तरह। आपको 24 घंटा परमेश्वर ने दिया, 8 घंटा सोने के लिए, बाकी कितना रह गया, 16 घंटा। इन 16 घंटे के अंदर मैं पूछता हूं कितना समय आप परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्यों नहीं? पिछले साल एक भाई ने मुझे फोन किया, मेरे को मालूम नहीं आप में से कोई जानता है कि नहीं, डी जोशुआ कोल्लम में केरला का है, माना हुआ एक टीचर है, मेरे पत्नी का फैमिली फ्रेंड है। मैंने उसको नया लिखा हुआ एक मलयालम किताब है रूत, बहुत बढ़िया, मलयाली लोग लेकर के पढ़ने का कोशिश करें, रूत बहुत बढ़िया किताब। मैंने उसका एक स्पेशल कॉपी उसको भेज दिया। उसने मिलने का उसी दिन मुझे रात को फोन किया, मेरे को बोला वर्गीश आपका एक किताब कमाल की किताब है, इतना गहराई पर आप गया है, इतना रिसर्च किया है, एक एक छोटा शब्द का भी मतलब आपने ढूंढ लिया, अच्छा किताब है। उसके बाद थोड़ा वो घबराया गया, ऐसा मुझे लगा कि वो कुछ डिस्टर्ब हो गया। उसने बोला एक बात और बोलो, आप तो 76 ईयर्स का हो गया पिछले साल, 76 ईयर्स का हो गया, 76 साल का हो गया, काफी लोग बुढ़े होने पर बुजुर्ग होने पर परमेश्वर से दूर हुआ है, कुछ लोगों ने परमेश्वर है ही नहीं बोला है, कुछ लोगों ने गाली देता था, कुछ लोग शराब पीता था, अच्छे लोग साधारण लोग नहीं। बोला वर्गीश आप तो जवान लोग जितना भाग दौड़ करते हैं उससे ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, हमें जानता है, लेकिन परमेश्वर जे वर्गीश ब्रदर जैसा बाकी लोगों को हो गया आपको ना हो जाए, परमेश्वर का और नजदीक होने के लिए कोशिश करें। मुझे ऐसा लगा परमेश्वर मेरे से चेतावनी दे रहा है, ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझे तीर भेज रहा है मेरा दिल के अंदर, वर्गीश सावधान रहो, मैं 86 साल तक जीना चाहता हूं, उससे बाद हो परमेश्वर का मर्जी, लेकिन मैं 86 में घर जाना चाहता हूं। मैंने फैसला किया मैं जितना देर प्रार्थना करता हूं उससे अधिक आधा घंटा अधिक प्रार्थना करेंगे। मैं 6 बजे उठता था, मैंने फैसला किया 5:30 बजे उठेंगे, आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, क्यों? स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। मैं यही बोलता हूं आप भी 10 मिनट 15 मिनट 50 मिनट कहीं ना कहीं बैठे और अन्य भाषा में आराधना करें। आपको अन्य भाषा नहीं मिला है, इधर बैठने वाला कोई पास्टर से बात करें, अगर आपको अन्य भाषा में विश्वास नहीं है मैं आपको, लेकिन आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, नहीं तो भी मलयालम में प्रार्थना करें, नहीं तो हिंदी में प्रार्थना करें, नहीं तो इंग्लिश में प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें? काफी लोग प्रार्थना करते हैं अपने शॉपिंग लिस्ट लेकर के देता है, खुदावन्द मेरा बड़ा लड़का MBBS होना चाहिए, खुदावन्द मेरा दूसरा लड़की डांस बनना चाहिए, खुदावन्द मेरे को मकान चाहिए, नहीं 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 मैं बोल रहा हूं उसका स्तुति करें। नबूकदनेस्सर कब स्तुति किया? 7 साल घास खाने के बाद। मैं आपसे सवाल पूछने के लिए चाहता हूं, क्या आपको भी परमेश्वर ने घास खिलाना है? क्या उसके बाद ही आप परमेश्वर का स्तुति करेगा? जब आपका तबीयत अच्छा है, जब आपका आरोग्य अच्छा है, जब आपका बटुआ में पैसा है, जब आपका पति आपका साथ सो रहा है और किसी के साथ नहीं, जब आपका पत्नी आपका घर में है, जब आपका बच्चे परमेश्वर का साथ चलता है, मेरा बिंदी सुन लो, उस वक्त परमेश्वर का स्तुति करें, जब सब अच्छा है, खराब होने के बाद नहीं, बिगड़ने के बाद नहीं। उसने 7 साल के बाद परमेश्वर का स्तुति किया, हालेलुया। उसका 14 पद में लिखा है, पेड़ काट करके उसका शाखा सब तोड़ दें, काट दें, और उसका जो पत्ता है हिला करके निकाल दें, और उसका फल जो है उसको तितर बितर कर लो, और उसका नीचे जो जानवर है, बड़ा पेड़ का नीचे जानवर रहता है, जब गर्मी हो जाता है कोई पशु जाकर रहेगा, बकरी जाकर रहेगा, गाय, वो पशुओं को भी भगा दो, और पेड़ का ऊपर 14 पद में लिखा है बाइबल में, मैं वही बोल रहा हूं, ऊपर जो चिड़िया है, पेड़ का ऊपर चिड़िया होता है, वो चिड़ियों को भी जाने दो, ये राजा है, राजा का सिंहासन का नीचे काफी लोग खाना खाते हैं, उधर नहीं, वो तंगवा देने के कारण, वही बोल रहे जानवर को भगा दो, चिड़ियों को भगा दो, उसका पत्ता भी हटा दो, ताकि कोई चिड़िया ना रहे, कोई जानवर ना रहे, किसका? राजा का। सुनिए, अगर मैं आप बड़ा बड़ा सावधानी से नहीं रहेगा तो एक दिन हमारा मकान भी हमारे हाथ से जा सकता है, हमारा बिजनेस भी हमारे हाथ से जा सकता है, हमारा चर्च भी हमारे हाथ से जा सकता है, लेकिन इसको मौका ना दें, परमेश्वर का साथ जब आपके लिए सब अच्छा है,
केरला में एक बार मैं प्रचार कर रहा था, एक बहन लड़की ने आकर के, 22 साल का लड़की कॉलेज में पढ़ती है, आकर के मेरे को बोला, मेरे माँ बीमार है, उसका पैर कट गया है, पहले अंगूठा काट दिया, फिर ऊपर से काट दिया, ऊपर से काट दिया, अभी घुटना तक काटा है, अभी आगे गया तो फिर कोई उम्मीद नहीं है, आप जाके प्रार्थना कर लोगे। मेरे को अस्पताल का एड्रेस दिया, मैं अस्पताल गया क्योंकि वो इधर नहीं आ सकते, इसलिए अस्पताल गया। मैं जाने के वक्त देखा है, खिड़की से देखा है, एक बहन जी, केरला का क्रिश्चियन लोग एक किस्म का सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ऐसे सफ़ेद कपड़े पहने हैं, एक रूमाल अपना सिर में डाले हैं, बैठ करके नया नियम पढ़ रहे हैं, बाइबल सोसाइटी का नया नियम। मैंने सोचा ठीक है यार, एक भक्तनी बहन के साथ मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ। मैंने उधर गया, मैंने बोला मैं वर्गीय मिला, बहुत खुशी की बात है। मैंने प्रार्थना किया, खुदावंद इसका ना अंगूठा काट दिया, ऊपर 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 गया, खुदावंद इधर से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, खुदावंद ये चंगा हाल चंगा हो करके घर जाए, यीशु के नाम में चंगा हो जाए। मैंने प्रार्थना किया, बाहर आया, उधर एक आदमी खड़ा था, एक तौलिया कंधे पर डाल करके खड़ा था। जब मुझे मिला उसने बोला, पास्टर साहब उपदेशी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उपदेशी बुलाना मलयालम में, उपदेशी प्रचारक, सुनो उसका मन में कोई परिवर्तन है। मैं समझ लिया है कौन होगा, फादर इन लॉ होगा, ससुर होगा। मैंने पूछा आप कौन है, बोला मैं उसका पिताजी हूँ। मैंने बोला पिताजी या ससुर, बोला पिताजी। आपका बेटी के बारे में बोल रहे आप, हाँ जी क्यों, बोला मैं मेरा बेटी को जानता हूँ, मैंने यहां शादी कराया, दूसरा शहर से ही इधर शादी कराया, और शादी करके आया एक मर्तोमा फैमिली, मर्तोमा एक अच्छा चर्च है केरला का, मर्तोमा चर्च में शादी कराया, वो भी मर्तोमा का है, और उसका 3-4-5 दिन के बाद उधर का महिलाओं का एक संगति है, उन लोगों ने इस घर में आकर के बोला, देखो बहू तू तो गांव में बहू बन के आया है, हमारे एक संगति होता है हर वीरवार को, तो अगले वीरवार को 4 बजे वो मीटिंग में आना। लड़की ने बोला रहने दे, मेरा घुटना में कोई दर्द है प्रार्थना कराने के लिए, मैं नहीं आते, मेरा घुटना में दर्द नहीं है, अभी दर्द है, अभी दर्द है। मैं आपसे भी पूछता हूं, क्या परमेश्वर को आपका लड़की को लड़का को आपका पति को पत्नी को आपका बिजनेस को चोट पहुंचाना पड़ेगा ताकि आप चर्च में जाएं, ताकि आपका घर में फैमिली प्रेयर हो? सवाल पूछता हूं, आपका घर में फैमिली प्रेयर है? पति पत्नी बच्चे बैठ करके फैमिली प्रेयर करते हैं, मैं जैकोब फैमिली का है, कैथलिक केरला का जैकोब है, लेकिन मेरे घर में हर एक दिन कोई भी आ जाए, एमएलए आ जाए, कोई भी आ जाए, हमारे घर में फैमिली प्रेयर पक्का होता था। आपका घर में है? क्या करें, आजकल टेलीविजन चार्ज ले लिया है, आजकल मोबाइल फोन चार्ज ले लिया है, बेटा को समय नहीं है, बेटी को समय नहीं है। केरला में काफी लोग, जब मैं प्रचार करने के लिए जाता हूं, लोग आकर के लाइन में खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करो किसके लिए, बेटी के लिए, क्या बात है, उसका इम्तिहान है कब, 2 हफ्ते के बाद, बेटी का है, घर में बैठ के टेलीविजन देख रहा है। मैं बोलता हूं जो घर में बैठे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, वो इधर क्यों नहीं आते? आप सिखाना चाहिए, क्या परमेश्वर को मजबूर ना करें आपका शाखा काटने के लिए, आपका पत्ता गिराने के लिए, आपका ऊपर जो 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 चिड़िया बैठे हैं उनको भगाने का, जो जानवर जो कोई आपका घर में खाना खाने के लिए आते हैं, हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है उसका जड़ का जड़ उसको संभाल लेना, जड़ का जड़ संभाल लेना, उनको जाने दो ताकि मैं उनको आशीष दें। सुनिए, शैतान आया है आपका चुराने के लिए, आपको नाश करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आया है, क्रूस पर मरा है आपको जीवन देने के लिए, आपको केवल जीवन देने के लिए नहीं, बहुत सारे देने के लिए। लेकिन उसके लिए उसको एक जड़ चाहिए, एक छोटा सा जड़ चाहिए, एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, उसी को आशीष देख करके बड़ा करके हालेलुया वो फिर पुनस्थापित करेगा। बाइबल से कुछ लोगों के बारे में बोलूं, जिसका जिंदगी में सब कुछ नाश हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसका जड़ में से कुछ न कुछ जो रह गया था उसमें से आशीष देख करके पुनस्थापित किया। सबसे पहले नूहा, कहां लिखा है, उत्पत्ति पुस्तक 6वां अध्याय में लिखा है, लिख लो, निकालने का जरूरत नहीं,
जल्दी प्रचार करके जाएंगे। नूह को ने छठवां अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने दुनिया को देखा और परमेश्वर का दिल में चोट लगा, मैंने इंसान को क्यों बनाया। उसने सोचा मैं इसको नाश करेगा। सुनिए, एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको भी जन्म दिया है। सवाल, क्या परमेश्वर आज दुखी है या खुश है? आप बोलेगा परमेश्वर ने थोड़ी मुझे को जन्म दिया है, मेरे पापा मम्मा मिलकर के मुझे जन्म दिया। गलत बात, मेरे पास सबूत है। एक पति पत्नी जुमिलने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। सुनिए, साइंस बताने जा रहा हूं, मैंने 10 क्लास ही पढ़ा है, लेकिन मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, बहुत किताब पढ़ता हूँ, बहुत अखबार पढ़ता हूँ, बहुत मैगजीन पढ़ता हूँ, बहुत वेब पेज में जाकर पढ़ता हूँ। 2016 में अमेरिका का शिकागो का एक यूनिवर्सिटी ने, एक मेडिकल लैब ने देखा है, थोड़ा संभाल के मुझे बोलना पड़ेगा, एक स्त्री का बच्चेदानी में एक पुरुष का बीज गिरेगा उसी वक्त एक नीली रोशनी चमकता है। अगर किसी के पास नेट कनेक्शन है घर में जाकर देख लेना, ब्लू लाइट एट द कंसेप्शन ऑफ ए वुमन, देख लेना, उसमें लिखा है कौन सा यूनिवर्सिटी। इसका मतलब जब बच्चा एक बहन का पेट में पैदा हो जाता है, एक सिग्नल आ जाता है स्वर्ग से, ये मेरा दान है। आप जब पैदा हुआ है, आपका माँ बाप का खूबी से नहीं, परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है। इसीलिए भजन संहिता में लिखा है, जब परमेश्वर ने मेरा माँ का खोक में मुझे रचा है। आप गलती से पैदा नहीं हुआ है, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या परमेश्वर आज खुश है आपको जन्म दिया या वो दुखी है? मेरा परमेश्वर मेरे मुझे भी देख करके दुखी था, लेकिन जब 29 साल उम्र था मुझे, कश्मीर में फौज में नौकरी करने के वक्त एक दिन मैं चर्च में गया, एक तंबू में गया, बैठा, मैंने सुसमाचार सुना, मैंने सोचा मैंने परमेश्वर को इतना दुखी दिया, उसको मैंने सलीब पर मारा, वो पाप नहीं किया था लेकिन मेरे पाप उसको सलीब पर मारा, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और फैसला किया उसको दुखी नहीं बनाएंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है सब पाप किया था, मैंने कल बता रहा था, उस वक्त तो दुनिया का आबादी 11 लाख लोग थे, अमूमन, पक्का बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन ये बाइबल पंडित लोगों का, बाइबल का पंडित लोगों का अनुमान है, कम से कम 11 लाख लोग दुनिया में था। लेकिन उनमें से एक आदमी रास्तबाज था, परमेश्वर उस पर खुश था। मैं आपको भी बोलता हूं, शायद बॉम्बे में आप अकेला एक आदमी हो, आप यह नहीं बोलना चाहिए क्या बताऊं यार बॉम्बे में सब खराब है मैं भी खराब हो गया, नहीं। अरे जब 11 लाख लोगों का बीच में एक आदमी रास्तबाज बनकर रह सकता था, आप भी बॉम्बे में इस शहर में रास्तबाज बन के रह सकता है, आप आपका घर में, आप आपका मोहल्ला में, आप एक रास्तबाज बनकर रह सकता है, धर्मी रास्तबाज, धर्मी रास्तबाज उर्दू, धर्मी हिंदी। धन्यवाद, थैंक यू ब्रदर। सुनिए, आप अकेला एक व्यक्ति है तो भी कुछ लोग आके बोलते हैं मैं क्या करूं, मेरे घर में नहीं, अगर नहीं बस काफी है। नूह एक ही आदमी धर्मी पाया गया, परमेश्वर ने नूह को बोला ऐसा कर लो, मैं दुनिया को नाश करने जा रहा हूं, ऐसा कर लो तू एक बड़ा किश्ती बनाए, किश्ती नहीं है बड़ा बक्सा बनाए, बक्सा बड़ा बक्सा संदूक, एक बक्सा बनाए और उसको लंबाई चौड़ाई बताया, उसका दरवाजा के बारे में बोला, उसका खिड़की के बारे में बोला और बोला सारे जानवर उसके अंदर आने दो, आ गया और उसके लिए चारा चाहिए वो सब रख दो, करीब 1 साल के लिए चाहिए था, कितना उसने लोड किया मुझे मालूम नहीं। और बाद में परमेश्वर ने बोला है नूह तुम और तुम्हारा पत्नी और 3 लड़के और 3 उनका पत्नियां, कितना लोग हो गया, 1 पत्नी 3 लड़के और 3 पत्नियां, मेरा हिसाब थोड़ा कमजोर है, कितना हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, धन्यवाद, 8 लोग। सुनिए सुनिए मेरा संदेश यहां है, 11 लाख लोग खत्म हो गया, परमेश्वर ने दुनिया को पुनर्स्थापित किया, जो नाश हो गया उनका दरिया से नहीं, जो बच गया उनका दरिया से। परमेश्वर आपको भी पुनर्स्थापित कर सकता है, जो आप में रह गया है, आपका विश्वास, आपका बाइबल का ज्ञान, आपका भक्ति, जो आप में रह गया है उसी से पुनर्स्थापित कर सकता है,
वो थोड़ा ही होगा। अरे 11 लाख और 8 लोग परमेश्वर उसको इस्तेमाल करके पुनर्स्थापित कर सकता है। दूसरा आदमी अय्यूब, अय्यूब का एक किताब है। अय्यूब कौन है? एक वो भी धर्मी आदमी था। कहानी इस प्रकार है, आप जानता है, एक दिन परमेश्वर का हुजूरी में, परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर सिंहासन में बैठता है, विराजमान है। वो शब्द अच्छा लगता है मेरे को, विराजमान, बैठा नहीं विराजमान है, जो इब्रानी भाषा है विराजमान लिखा है, कंफर्टेबली सैट डाउन। जब परमेश्वर अपना तख्त पर विराजमान था, रिपोर्ट देने के लिए फरिश्ते लोग आए। अय्यूब का किताब पहले अध्याय पढ़ लेना। उस वक्त शैतान भी आया। सवाल आएगा, क्या शैतान परमेश्वर का उसूरी में जा सकता है? सुनिए, परमेश्वर अपना ताकत अलग अलग जगह पर डालता है। बाइबल में लिखा है तीसरा स्वर्ग। सवाल एक पूछ लूं, जो सही जवाब दिएंगे उनको मेरा पेन दे देंगे, बढ़िया सा पेन, 2500 का पेन है, 2500 पैसे। सवाल, स्वर्ग कितना है? जो सही जल्दी बोलेंगे पेन मिलेंगे। एक गलत, एक गलत, सात गलत, तीन। मेरे को बाइबल का पद दे दो, मैं आपको एक पेन दे देंगे। बाइबल में नहीं लिखा है, तीन है, तीन से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इतना है, तीन है स्वर्ग पक्का। लेकिन ये नहीं लिखा है तीन ही स्वर्ग है, क्योंकि पौलुस तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया है, लेकिन चारवां भी हो सकता है, पांचवां भी हो सकता है। सुनिए, परमेश्वर कभी कभी अपना सिंहासन अलग अलग जगह पर डालता है। एक बार उसने बादल में भी डाला था, आकाश आसमान पर डाला था। इसका मतलब आसमान का प्रभु है शैतान, आसमान में तख्त में सिंहासन में बैठने के वक्त वहां शैतान भी जा सकता है। मैं नहीं सोचता हूं कि पहला स्वर्ग में जाएगा, दूसरा तीसरा स्वर्ग में जाएगा, मैं नहीं, लेकिन जब आसमान में वो तख्त बड़ा सिंहासन डाल के बैठेंगे उधर जा सकता है। परमेश्वर ने पूछा तू कहां से आ रहा है? बोला मैं दुनिया में घूम घाम के आ रहा हूँ, मेरा पिताजी ने मुझे सिखाया था घूम घाम के। मेरा पिताजी सेव्ड नहीं था, उतार नहीं पाया है, लेकिन उसको बाइबल का कहानी मालूम था, उसने मुझे सिखाया। वो एक्टिंग नहीं करते है, लेकिन उस दिन खड़े होकर के एक्टिंग किया। कैसा है? मलयालम में लिखा है उड़ाड़ी संचरिच वरिनो, हिंदी में कैसा है? घूम घाम के, घूम घाम के है। मेरे पिताजी ने सिखाया, कैसा आया मालूम है? मैं थोड़ा एक्टिंग कर लूँ, ऐसा घूम घाम के। ऐसा क्यों घूम घाम के आता है? नया नियम में लिखा है शैतान इसलिए घूम घाम के आता है, देखता है किसको फाड़ डाले। उसका मतलब आप समझता है, सबको फाड़ नहीं डाल सकता है। कुछ विश्वासी लोग ऐसा है जो पाप में भी रहते हैं, उसको फाड़ डाल सकता है। पीजी वर्क किस कैसा है मालूम है? शैतान मेरा घर के सामने भी नहीं आता है, नहीं आता है। उसको पता है उधर आएगा तो मैं ऐसा उसको कूट देंगे, वो डर के मार के भाग जाएंगे। सुनिए, आप साधारण विश्वासी नहीं बनना, मेरा उपदेश सुन लो, आप असाधारण विश्वासी बनना है। आप साधारण पास्टर नहीं बनना है, आप असाधारण पास्टर बनना है। आप साधारण प्रचारक नहीं बनना है, आप असाधारण प्रचारक बनना है। कैसे? विश्वास में, विश्वास में, विश्वास बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें। इधर शैतान पहुंच गया, परमेश्वर ने पूछा कहां से आ रहा है? दुनिया में घूम घाम के आ रहा है। और ठीक है, वो एक सवाल पूछा, तूने मेरा दास अय्यूब का ऊपर नजर लगाया? अरे अय्यूब कौन है? पास्टर है। हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर का दास आया है। कौन? पास्टर। हम यही सोचता है सिर्फ परमेश्वर का दास पास्टर ही होता है। नहीं,
अरे आयु पास्टर नहीं है, आयु बिशप नहीं है, आयु फादर नहीं है, आयु नबी नहीं है, आयु एक साधारण विश्वासी है। फिर भी क्यों? सुनिए, वो आराधना करता था खून का पीछे छिप के। बाइबल में लिखा है, घर में जाकर पढ़ लेना, पहला अध्याय में, आयु का पहला अध्याय में उधर लिखा है, जब कभी उनका बच्चे अच्छी तरह खाना खाता था, दाखमतु पीता था, आयु को शक हो जाता था, मेरे बच्चे जब अच्छी तरह खाना खाया, दाखमतु पिया, शायद दिल में दोष सोचा होगा। इसने क्या किया? उसने एक एक बच्चा को बुलाया और एक एक जानवर को लाया, उसको कुर्बान करके उसको वेदी पर चढ़ाता था, वो खून का पीछे खड़ा होकर के इबादत करता था। कौन है परमेश्वर का दास? जो यीशु मसीह का खून के पीछे खड़े होकर के आराधना करते हैं। अब विश्वासी होगा, कल उठार पाया होगा, नहीं तो पिछले हफ्ता में उठार पाया होगा, पिछले साल में अपने उठार पाया होगा। अगर आप यीशु मसीह का खून के पीछे खड़े होकर के इबादत करता है, आराधना करता है, सुनिए, आप परमेश्वर का दास है, आप परमेश्वर का दास ही है। हालेलुया, जो उठार पाया है, आप मेहरबानी करके अपना सीना में हाथ लगा के बोलो, मैं परमेश्वर का दास है, मैं परमेश्वर का दास ही है। बोलो एक बार और, बोलो एक बार और, मैं परमेश्वर का दास है, मैं परमेश्वर का दास ही है, मैं परमेश्वर का दास है, मैं परमेश्वर का दास ही है। शैतान आपको गुमराह ना करे, शैतान आपको धोखा ना दे। शैतान बोलेगा तू पापी है, नहीं मैं पापी था, लेकिन अभी उठार पाया हुआ पापी है, मैं उठार पाया परमेश्वर का दास है, मैं उठार पाया हुआ परमेश्वर का दास ही है। हालेलुया। तब शैतान ने बोला, परमेश्वर वो तो आपका दास इसलिए है कि आपने उसको सारे बातों में इतनी आशीष दिया, वो बड़ा धनी बन गया, सिर्फ इतना नहीं, उसका धन दौलत का चारों तरफ आपने हद भी बांधा है। हद, हद हिंदी है, हद फेंसिंग किया है, सीमा नहीं, सीमा नहीं, सीमा नहीं, हद बांधा है, बाड़ा बांधा है, ठीक है, फेंसिंग किया है। अभी अच्छी तरह समझते हैं, सुनिए सुनिए, आप यीशु मसीह का खून का पीछे खड़े होकर के आराधना करता है, परमेश्वर आपका, परमेश्वर आपका पत्नी का, परमेश्वर आपका पति का, परमेश्वर आपका बेटा का, परमेश्वर आपका बेटी का, परमेश्वर आपका कार का, परमेश्वर आपका मोटरसाइकिल का, परमेश्वर आपका गाय का, परमेश्वर आपका मुर्गी का, परमेश्वर आपका सारे चीजों का चारों तरफ हद बांधा है। शैतान को हिम्मत नहीं है उसका ऊपर से पैर लगा करके पार जाने, हिम्मत नहीं है शैतान को। मुझे पक्का विश्वास है, मैं जुआ खेलता हूं, अभी भी जुआ खेलता हूं, पैसा का जुआ नहीं, मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी को मैंने अकेला साउथ अफ्रीका में भेजा है, अभी मेरे पत्नी कर्नाटका में है, मैंने मेरे बेटी को 22 साल का उम्र खूबसूरत बेटी को मैंने अकेला उड़ीसा का पहाड़ में प्रचार करने के लिए 5 घंटा पैदल जाना पड़ा, मैंने भेजा है। क्यों? मुझे मालूम था, मैं अभी भी मुझे मालूम है, मेरा चारों तरफ, मेरा पत्नी का चारों तरफ, मेरा पति, मेरा बच्चों का चारों तरफ, मेरा गाड़ी का चारों तरफ, मेरा गाय का चारों तरफ, हालेलुया, मेरा सारे धन दौलत का चारों तरफ परमेश्वर ने सीमा बांधा, हद बांधा है, बाड़ा बांधा। केरला में मैं एक बार प्रचार कर रहा था, एक फादर साहब ने, फादर सीएनआई चर्च का फादर, सीएसआई चर्च का फादर, मुझे घर में बुलाया और बोला, देखो एक दिन मैं शादी पढ़ रहा था, मेरा बीवी ने एक कागज में लिख कर भेजा है, हमारा लड़का को कोई साधु ने पकड़ कर लेके गया है। आपको मालूम है साधु लोगों का कपड़ा पहन के, साधु दो किस्म का होता है, एक असली साधु, एक नकली साधु। ये नकली साधु लोग आया, इसको लड़का को पकड़ कर लेके गया, लड़का 7 साल का था। उसने बोला मैं क्या करूं, अभी तो शादी पढ़ रहा हूं, उसको छोड़ करके नहीं जा सकता। बोला लड़का को लेके गया, उसने उस कागज में लिख दिया है, वो अभी भी, वो मर गया, उसका पत्नी अभी भी कालीकट में है, उसने लिख दिया है कि मैं परमेश्वर का सेवा करता हूं, परमेश्वर मेरा बेटा का देखभाल करे। अरे पास्टर साहब ये लिख सकता है, उसका पत्नी थोड़ी सहेगी, वो छाती फेर करके वहीं बैठे रहा। उसने सोचा होगा, अरे मैंने इसके साथ क्यों शादी किया, गलती किया। थोड़ी देर के बाद शादी खत्म, उसका बीवी ने जाकर बोला, अभी तो चलो लड़का को लेके गया सवेरे 9 बजे, 9:30 बजे, अभी तो 1 बज गया, चलो। उसने बोला नहीं, हमारा रिवाज ऐसा है, शादी के बाद लड़के का घर में जाना पड़ते हैं, सबके साथ बैठ के खाना खाना पड़ते हैं, खाना खाने के बाद पति पत्नी को जो शादी हुआ है उनको दोनों को कमरा के अंदर प्रार्थना करके भेजना है, इसके बाद ही आ सकता है। सब होने के वक्त 2:30 बज गया, वो घर जाने के वक्त उसका पत्नी बेहोश होकर के पड़ी है, उसका लड़का को मैं
18 तारीख को मिलने जा रहा हूं, कुवैत में अभी नौकरी करता है। उसने घर में जाने को कि पत्नी बेहोश होकर पड़ी है, उसने सोचा क्या करेगा, अरे साढ़े नौ बजे लड़का गुम हो गया, क्या करें। और उसमें बैठने के वक्त टेलीफोन बजा, टेलीफोन उठाया, लैंड फोन है, मोबाइल फोन नहीं है, लैंड फोन उठाया, दूसरा वाश, बड़े भाई चिंता मत करो आपका बेटा मेरे घर में। उसका बहन का फोन, सुनिए ताली नहीं बजाना, सुनिए क्या हुआ है, एक साधु इसको ऊपर फसम डाला और बोला मेरा पीछे हो लो, लड़का बेहोश हो गया, साधु आगे जा रहा है, लड़का पीछे जा रहा है, जाकर के किश्ती में बैठा, केरला में बोट भी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बोट है, बोट में बैठ गया, उधर से शहर में गया, आलपी बोल करके के शहर में गया, उधर जाने के भगत इस लड़का को बोला मेरा पीछे होना, वो लड़का पीछे, साधु आगे जा रहा है, लड़का पीछे जा रहा है, आगे लड़का बेहोश है। सुनिए ये सही कहानी, मैं उसको मिलने जा रहा हूँ 18 तारीख को, कुवैत में मिलेंगे। उसका पत्नी अभी भी कालीकट में है, कोई कालीकट वाला है तो जाकर मिल लेना, पूछ लेना। और ये लड़का उधर बेहोश पीछे जा रहे हैं, उस वक्त क्या है, उधर से एक आवाज आया, कोई बात नहीं कुछ करेंगे, उधर से एक उधर उधर से जाने के वक्त आसमान खाली है, आसमान में बादल नहीं है, एकदम आसमान में थंडरिंग हुआ है और बिजली चमका है और पानी गिरा है। आपको मालूम है बगैर बादल का बगैर जब आसमान में थंडरिंग होगा, बिजली चमकेगा, जो पानी गिरेगा मोटा मोटा बूंद पानी गिरेगा, वो पानी गिरा उसका चेहरा में गिरा, ये लड़का का तीन चार बूंद उसका चेहरा में, उसको होश आया, उसने चिल्लाया ओ साधु मुझे पकड़ कर ले जा, बचाओ बचाओ बचाओ, साधु भाग गया। उस वक्त एक फादर साहब का बहन सब्जी लेने के लिए जा रहे थे, उसने बाद में मेरे से बोला मेरे को सब्जी लेने का विचार नहीं था, अरे दो ढाई बजा है, अरे ढाई बजे कौन जाएगा सब्जी लेने के लिए, धूप है, मैंने पांच बजे जाएगा सोचा, बच्चे आएंगे स्कूल से 4:30 बजे इसके बाद जाएगा, लेकिन मेरे अंदर कोई बोल रहा था जाओ अभी जाओ, नहीं शाम को जाएंगे, नहीं अभी जाओ, नहीं 4:30 बजे, नहीं अभी जाओ, बाद में थक्का इतना जोर से हो गया मेन निकला, वो सड़क का उधर से जा रहा था, लड़का इधर से आ रहा था, चिल्लाया कैसा हुआ है, उस लड़का का चारों तरफ परमेश्वर का फेंसिंग लगा हुआ था, यही परमेश्वर का फेंसिंग, आपका चारों तरफ, आपका पत्नी का चारों तरफ, आपका पति का चारों तरफ, हालेलुया, आपका बच्चों का चारों तरफ, आपका गाड़ी का चारों तरफ, आपका धन दौलत का चारों तरफ हद बांधा है। विश्वास करें, शैतान ने बोला तूने हद बांधा इसलिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर को मालूम था इसका उसका इसका रूहानियत कितना बड़ा है, परमेश्वर ने बोला ठीक है मैं फेंसिंग उठा लेता हूँ। सुनिए ये संदेश अच्छी तरह सुने, आपका पहला फेंसिंग उठा लेगा लेकिन दूसरा फेंसिंग में ऊपर को करेगा, क्यों, एक फेंसिंग गया तो भी परमेश्वर को कुछ ना कुछ चाहिए उसको दोबारा पुनस्थापित करने के लिए, बोला पहला फेंसिंग मैंने निकाल दिया लेकिन दूसरा फेंसिंग उठा लिया। एक हफ्ते के बाद या दो हफ्ते के बाद शैतान फिर आया, पूछा कहाँ से आ रहा है, दुनिया से आ रहा है, घूम के आ रहा है, पूछा मेरा दास सुनिए, जब उसको आपको मालूम है एक हफ्ता के अंदर क्या हुआ है, घर जा करके पढ़ लेना, उसका सब कुछ चुरा लिया शैतान ने, उसका धन दौलत सब चुरा लिया, उसका बकरे सब चुरा लिया, उसका नौकर लोग सब चुरा लिया, सब जाने के बावजूद भी वो परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, परमेश्वर ने वही शब्द बोला मेरा दास, जब उसके पास सब कुछ था वो मेरा दास था, उससे सब कुछ तूने छीन लिया उस वक्त भी वो मेरा दास है। सुनिए आपको यही फैसला होना चाहिए, मेरा फैसला यही है, मैं शैतान से दावा करके बोलता हूं मेरे पास सब कुछ है, मैं परमेश्वर का दास है, मेरे से सब कुछ शैतान छुड़ा ले, शैतान छुड़ो फिर भी मैं परमेश्वर का दास रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर ने बोला ठीक है मैं दूसरा फेंसिंग भी खोल देता हूं, लेकिन तीसरा फेंसिंग, मेरा मतलब समझ लिया, परमेश्वर को कुछ चाहिए, क्यों, मैं इसको पुनस्थापित करूंगा, आयु को मैं आशीष दूंगा, आयु को मैं डबल आशीष दूंगा, इसके लिए मुझे चाहिए, इसलिए पहले फेंसिंग निकालने के वक्त दूसरा फेंसिंग वो भी निकालने के वक्त एक फेंसिंग परमेश्वर कुछ ना कुछ रखेगा ताकि आपको पुनस्थापित करे। सवाल यह आएगा अय्यूब के पास क्या था, मेरे पास समय नहीं है अय्यूब के बारे में वर्णन करने के लिए, लेकिन अय्यूब के पास क्या था मैं बताता हूँ, अय्यूब के पास कन्फेस करने का, हिंदी में क्या बोलेगा, कन्फेस एट बरेगा,
अंगीकार करने के लिए तबीयत था। सुनिए, अंगीकार करना बहुत बच्चा अच्छा खूबी है। आप भी अंगीकार करना चाहिए, सवेरे उठ करके बोलना चाहिए, मैं आशीषित हूं, परमेश्वर मेरे लिए अच्छा है, परमेश्वर मेरा देखभाल करेगा, परमेश्वर मेरे को ऊपर उठाएगा, मैं नीचे नहीं होगा, अगर नीचे होगा तभी मेरे को परमेश्वर पुनर्स्थापित करेगा। अब चलने का वक्त, अब फिरने का वक्त, अब नहाने का वक्त, अब स्कूल में जाने का वक्त, अब कॉलेज में जाने का वक्त, अब नौकरी पर जाने का वक्त, अंगीकार करते हुए चले। अय्यूब ने क्या अंगीकार किया है, मैंने इधर नोट करके रखा है, अब लिख लो, घर जा करके पढ़ लो। अय्यूब ने क्या अंगीकार किया है, हालेलुया। 13:15 में लिखा है, उसने मुझे मार डालेगा तो भी, जान से मार डालेगा तो भी, मैं उसी के लिए दशहरी करूंगा। 13:15, 13:18 में लिखा है, एक दिन मुझे परमेश्वर धर्मी बनाएगा। मतलब मालूम है क्या है, इसके पास दोस्त लोग आया, इतना तकलीफ उठाने का वक्त बोला, तुम्हें यह दोष इसलिए आया, तूने गड़बड़ का काम किया होगा, तूने कोई लड़की के साथ गड़बड़ का काम किया होगा, उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन वो एक दिन क्या बोलता है, एक दिन परमेश्वर मुझे धर्मी बनाएगा। सुनिए, आपका बुरी हालत में, आपका बुरा दिन में, आपको सब कुछ नुकसान होने का वक्त, हो सकते हैं आपका दोस्त लोग, हो सकते हैं आपका सहेली लोग, हो सकते हैं आपका पास्टर भी आपके बारे में आरोप लगाए, लेकिन उस वक्त भी आप अंगीकार करें, परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, परमेश्वर मेरे को बढ़ोतरी देंगे, परमेश्वर मेरे को अच्छा तंदुरुस्ती देंगे, परमेश्वर जो मेरे से खो गया वापस मिलेगा। अय्यूब का खूबी क्या था, उसने अंगीकार किया है। He confessed about the goodness of God. He said what can happen in the future days. So say it. Ayub, परमेश्वर ने सब उसको पुनर्स्थापित करके दिया है, डबल दिया है। तीसरे एक आदमी के बारे में मैं बोलूं, गिदियन, न्यायियों का किताब 6:13 में उधर लिखा है, गिदियन कौन है, एक डरपोक है, उधर फसल काट रहा था, लेकिन उस वक्त मिद्यानी लोग आकर के इन लोग बीज बोता था, उन लोग आके काट के ले जाता था, नहीं तो इन लोग काटने के वक्त तो वो जाकर के उठा कर लेकर जाता था। लेकिन उस वक्त एक जवान था, बड़ा डरपोक था, नंबर 1 डरपोक, उसने जाके उसने भी अपना थान काट के लाया, लेकिन वो खेती में उसको साफ करना नहीं चाहता था, डरता था, इसलिए उसने थान काट के लाया, उसने चक्की के पीछे जा करके चिपके उसको साफ करता था। इतना डरपोक था यार, खेती में ये धान को साफ करने के लिए उसको हिम्मत नहीं था, इसलिए चक्की का, अरे चक्की के पीछे तो तेल निकालने का है, चक्की के पीछे तो दाख मधु बनाने का है, लेकिन इतना डरता था वो करता था ताकि कोई ना देखे, दुश्मन ना देखे, इधर आकर के साफ करता था, डरपोक। लेकिन 14 में लिखा है, परमेश्वर का फरिश्ता उधर आकर के लिख बताया कि बोला, तू जाओ, तू मिद्यान को खत्म करेगा, तू मिद्यान के ऊपर विजय पाएगा, इसी ताकत के साथ जाओ। वो गया, अगले पद में लिखा है, उसने नरसिंगा लिया, आपने उधर से नरसिंगा नहीं लाया, यरूशलेम से, महंगा है, $160 था उस वक्त, जो उधर अभी नरसिंगा मिलता है लंबा सा है, वो सच बोलेगा तो यरूशलेम का नहीं है, अफ्रीका का है, उन लोग हमें धोखा देता है। यरूशलेम का नरसिंगा छोटा है, इतना लंबा है, बकरे का सिंह का है, भेड़ का सिंह का, इतना छोटा। उसने सिंह उठाया और लड़ाई होने के वक्त बजाने वाला है नरसिंगा, उसने बजाया, मालूम है क्या हुआ, 32,000 लोग आया, कौन नरसिंगा बजाने के वक्त, डरपोक। कोई सुनने वाला सोच जाएगा, अरे कौन नरसिंगा बजा रहा है, गिदियन, अरे डरपोक नरसिंगा बजा। लेकिन किसने बोला, वो डरपोक था, उसमें कुछ बदलाव आया, उसका शक्ल बदल गया, उसका बोली बदल गया, उसका आंख बदल गया, उसका रूप बदल गया, उसका वेश बदल गया, उसमें कुछ बदलाव आया, बोला चलो, उसने बोला चलो, 32,000 लोग आया, क्यों, परमेश्वर का अभिषेक उसका ऊपर आया।
डरपोक बुलाने को 32,000 आया। सुनिए, जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप बदल जाएगा, आपका शक्ल बदल जाएगा, आपका रूप बदल जाएगा, आपका भाषा बदल जाएगा, आपका सेवकाई बदल जाएगा। डरपोक को भी शर बनाने वाला मेरे परमेश्वर। 32,000 लोग आया। परमेश्वर ने सोचा इसको एक सबक सिखाता हूं यार, सिर्फ इसको नहीं पीजी वर्गीस को भी सिखाएंगे ताकि पीजी वर्गीस भी बॉम्बे में जाकर के प्रचार करें। उसने बोला, गिदेओन मेरे को इतना लोगों का जरूरत नहीं है, इसलिए उनको बोल दो जिसको डर है घर जाएं। उसने जाकर के फिर नरसिंह का बजाया, 32,000 लोग खड़े हैं, नरसिंह का बजाया, सब लोगों से क्या बात है, बोला जिसको डर है चले जाए। आपको मालूम है कितना हजार लोग गया? 22,000 लोग गया है। इसका मतलब सब डरे हुए थे, अरे डर फो के साथ जाएगा तो हमारे हाथ नहीं होगा, पैर नहीं होगा, सिर नहीं होगा, हम नहीं नहीं, सब लोग भाग गया। 22,000 जैसा ही सुना भाग गया। मतलब है 75% लोगों को उसके ऊपर भरोसा नहीं था। परमेश्वर ने बोला, सोचा मैं इनको भी एक सबक सिखाएगा। बोला, गिदियोन इतना का भी जरूरत नहीं है, ऐसा कर लो इनको लेकर के पानी के तरफ लेकर जाओ, जो पानी साधारण लोग पीता, समझने कोशिश करें, थोड़ा गहरी बात है, साधारण लोग पानी पीते हैं वैसा पानी पीने वालों को सबको घर भेज देना, लेकिन जैसा कुत्ता पानी छाट के पीता है वैसा पीने वालों को साथ लेकर जाना। मैं फौजी में था 12 साल, हमको लेकर जाता था लड़ाई का मैदान में, मैंने लड़ाई पर नहीं गया है लेकिन लड़ाई का प्रैक्टिस करना पड़ता था, उधर लेकर जाता है। हमारे पास वाटर बोतल होगा, फौजी का वाटर बोतल 1 लीटर का, पीने नहीं देंगे, हमारा गला सूख जाएगा लेकिन पीने नहीं देंगे। जब बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, बोलेगा वाटर बोतल ले लो, ले लेंगे, खोलो, खोलेंगे, 1 घूंट पियो, 2 घूंट नहीं, क्यों, 1 खत्म हो गया तो फिर मर जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा पीने देता है। लेकिन समझ लो उधर जाने के वक्त कोई चश्मा मिले, कोई अच्छा अच्छा पानी मिले, बोलेगा जितना मर्जी पियो। लोग कैसा पानी पिएगा मालूम है, फौजी लोग वो लेट जाएंगे और पानी लेंगे पियेंगे, ऐसे ऐसे खड़े होगा पिता और देखते रहेगा कोई दुश्मन आ रहा है पियेंगे। परमेश्वर बोलता है ऐसा पीने वालों को जैसा पीना चाहिए वैसा पीने वालों को घर भेज देना। फिर कैसे, जो भिन्न रीति में पानी पीता है उनको रहने दो। कैसे, अब घर जा करके एक प्लेट में थोड़ा पानी लेकर के जैसा कुत्ता छाड़ के पीता है वैसा पीने का कोशिश करें, नहीं होगा। मैंने भी हैरान हो गया, अरे परमेश्वर बोलता है जैसा कुत्ता छाड़ के पीता, नहीं होगा, कुत्ता का जीभ अलग है हमारा जीभ अलग है, बोलता है जैसा कुत्ता पानी पीता, मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन एक पास्टर साहब आया, उसका पिताजी शिकारी था, उसने सिखाया उसको, उसने मुझे सिखाया। सुनिए, मेरा थोड़ा जल्दी जाना है, मुझे 10 लोगों के बारे में बोलना है, अभी तीसरा में आया। एक शिकारी जानवर का पीछे जाएगा, उसके पास हथियार होगा, आजकल बंदूक है, उन दिनों में बंदूक नहीं है। उस वक्त पास्टर कवन मलयालम कविना गुफान गोफन 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 देखा, मैं सब लेकर चलता हूं, गोफन होगा उस जमाने में, गोफन लेकर चलता है, एक जानवर को मिलेगा और जानवर का पीछे भागेगा। जानवर पानी मिले पानी के अंदर खुद लेता है, पानी के अंदर खुद लेगा बचने के लिए, आज भी उस जमाने में। और शिकारी को पता है तो कितना गहरा है वो भी खुद लेगा, उसके साथ जानवर है तो कुत्ता है तो वो भी खुद लेगा पानी के अंदर। सुनिए, वो शिकारी या कुत्ता ठहरेगा नहीं पानी पीने के लिए, वो कितना भी प्यास लगे वो रुकेगा नहीं पानी पीने के लिए। वो कैसा पानी पीता है मालूम है, वो दौड़ेगा, दौड़ने के वक्त उसका पैर लगने के वक्त पानी ऊपर को उछालेगा, उस वक्त वो पानी लेकर पीते जाएगा। कुत्ता क्या करेगा, कुत्ता भी भागेगा, जब कुत्ता का पैर पानी में पड़ेगा पानी ऊपर को उछलेगा, वो पीते पीते हम। परमेश्वर बोलता है जो कुत्ता का जैसा पानी छाट के पीता है उनको ले लो, मतलब है नॉन स्टॉपेबल, जो रुकने के लिए इंकार करता है, अपना शरीर चाहता है रुके लेकिन बोलता है नहीं चाहेगा, मैं नहीं रुकेगा। सुनिए, आप ऐसा एक विश्वासी होना चाहिए, यू मस्ट बी ए नॉन स्टॉपेबल।
मेरे बाइबल में लिखा रखा है पीजी वर्गीसी से नॉन स्टॉपेबल, किसी को हिम्मत नहीं है मुझे रोकने का। परमेश्वर रोक सकता है लेकिन शैतान नहीं रोक सकता है। मसीह विरोधी मुझे नहीं रोक सकता है। मेरा तंदुरुस्ती मुझे रोक नहीं सकता है। हालेलुया, मैं प्रचार करते रहेंगे। आप ऐसा विश्वासी बनना है कैसा? परमेश्वर बोलता है जो आम लोग पानी पीता है, घुटना टीके पानी पीता है, चारों तरफ देख उनको खर भेज देना, लेकिन जो नॉन स्टॉपेबल है, जो रोकने के लिए इंकार करता है। सुनिए भैया, आप भी एक रोकने के लिए इंकार करने वाला बने। क्यों? कितना लोग रह गया है? 300 लोग। दुश्मन कितना है? कम से कम 5 लोग, 5 लाख नहीं लिखा है बाइबल में, लेकिन इतना ही लिखा है वो देश भर गया था। इतना लोगों का साथ 300 से क्या करेगा? परमेश्वर को थोड़ा ही चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। आपके अंदर कुछ है? थोड़ा सा हिम्मत है, थोड़ा सा पर्चा बांधने का हिम्मत है, आराधना करने का हिम्मत है, जो आपके अंदर रह गया है वही काफी है। आप गिनती को मत देखो, आपका तंदुरुस्ती को मत देखो, आपका तबीयत को मत देखो, आपका खूबी को मत देखो, आपका भाषा को मत देखो, जो कुछ रह गया है वही काफी है। जो कुछ परमेश्वर के पास आप देने के लिए तैयार है वही काफी है। थोड़ा जल्दी जाए, चारवां आदमी कौन है? शिमशोन। शिमशोन को अभिषेक का कमी नहीं था। शिमशोन को निम्ते समझते हैं, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का वरदान। शिमशोन को वरदान का कमी नहीं था, लेकिन उसको एक कमी था, लिख लो, उसको स्वभाव गुण का कमी था। He did not lack any gifts. He was overflowing with the gifts of the Holy Spirit. But he lacked character. मेरा भाई बात सुनो, पास्टर मेरा बात सुने, बड़े आदर के साथ, बड़ा हलीमी के साथ मैं आपको बोले, आपका बड़ा थन आपका गाड़ी नहीं है, आपका बड़ा थन आपका मकान नहीं है, आपका बड़ा थन आपका बड़ा चर्च नहीं है, आपका बड़ा थन आपका कैरेक्टर है। इसलिए भाई बहन कैरेक्टर बड़ा है, लेकिन क्या करूं, उसका एक कमजोरी था। लड़कियां सुनिए, हर एक इंसान को एक कमजोरी हो सकता है। कभी लड़की कमजोरी हो सकता है, लड़का कमजोरी हो सकता है, घमंडी कमजोरी हो सकता है, गुस्सा कमजोरी हो सकता है। आप आपका कमजोरी समझना है। मेरा कमजोरी गुस्सा है, जल्दी गुस्सा करता। लेकिन मेरा साथ चलने वालों को पूछ लो, पीजी वर्गीस गुस्सा होते हुए देखा है? नहीं, हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन मेरे को मालूम है मेरे अंदर गुस्सा है। मेरे पत्नी को पूछे, हाँ आपका कमजोरी क्या है, आप जानना है। अगर लड़का है, अगर लड़की है, अगर पैसा है, अगर घमंडी है, ईर्ष्या है, आपका कम, इसने अपना कमजोरी नहीं समझा। उसने देखा एक फलस्ती लड़की, फलस्ती कौन है? मुसलमान। सुनिए, मैं मुसलमान का खिलाफ नहीं हूँ, क्रिश्चियन का खिलाफ नहीं, पेंटिकॉस्टल का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इतिहास सिखा रहा हूँ। उसने देखा एक फलस्तीनी लड़की, उसने घर जाके माँ बाप को बोला, मम्मी सुनो वो लड़की चाहिए मुझे। उसने बोला, अरे इस लड़की का हमारा खानदान में अच्छे लड़कियाँ हैं, हमारा विश्वास के अच्छे लड़कियाँ हैं। नहीं नहीं, उसने जिद किया। सुनिए सुनिए, थोड़ा खुला बोले, आप जहाँ कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ आप नौकरी करते हैं, उधर आपका पसंद का कोई लड़का लड़की मिलेगा, लेकिन जिद नहीं करना, जिद नहीं करना। मेरे को चाहिए, जिद नहीं करना, परमेश्वर का बात माने। उसने जिद किया, क्या हुआ मालूम है? एक लड़की, दूसरा लड़की, तीसरा लड़की, बाद में क्या हो गया? उसका अभिषेक गया, जल्दी जाओ, उसका बाल मुंडन किया गया है, उसका आंग फोड़ दिया गया है, उसका कपड़ा उधार दिया गया। जेल में जाने के वक्त कपड़ा पहनने नहीं देंगे, और एक छोटा सा तौलिया बांधने देंगे, और उधर जा करके वो चक्की में आटा पीसता है, वो आटा पीसेगा खाएगा, और कोई थोड़ा उसको मिलेगा। उसका सब कुछ खो गया। क्या सब कुछ खो गया? नहीं नहीं, सब कुछ नहीं खोया। एक हफ्ते के अंदर बाइबल में लिखा है उसका बाल दोबारा उगना शुरू हो गया। सुनिए, उसका आसादी खो गया था, उसका नजर खो गया था, उसका विजन खो गया था, उसका 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 कपड़ा खो गया था, उसका कुर्सी खो गया था, उसका इज्जत खो गया था, लेकिन उसका बाल दोबारा उगना शुरू किया। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया है।
थोड़ा सा बाल कितना होगा, इतना सा थोड़ा सा बाल परमेश्वर को उतना ही काफी है। परमेश्वर ने शैतान से बोला वो वृक्ष को काट दो, लेकिन उसका जड़ थोड़ा सा रख देना क्योंकि मैं दोबारा इस्तेमाल करना चाहता हूं। परमेश्वर ने शिमशोन का थोड़ा सा बाल से उसको दोबारा अभिषेक किया, उसने एक बड़ा चमत्कार के साथ उसका जीवन कहानी खत्म हो गया। मैं आपको बोलता हूं आपका जीवन में भी कुछ ना कुछ रह गया होगा। क्या थोड़ा सा बाल कहां आया, थोड़ा सा बाल उसका सिर में, सिर में क्या आता है, अभिषेक आता है, सिर में क्या आता है, आपका विचार आता है, सिर में क्या आता है, नया नया सोच विचार आता है। सुनिए आपके पास नया सोच विचार है, अगर आपसे कुछ खो गया होगा, आपसे गलती हो गया होगा, आपका पोषक गया होगा, उठार का पोषक गया होगा, आपका तंदुरुस्ती गया होगा, आपका विशन तो चला गया होगा, लेकिन आप विश्वास करें जो आपके पास रह गया थोड़ा सा बाल वही काफी है। जो आप परमेश्वर का हाथ में दिएगा उसको परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल कर सकता है। आप सोचेगा अरे ईस्टर का संदेश कब आएगा, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। और सुनिए एक बहन जिसको खून बहने का बीमारी थी वो यीशु के पास आए। बाइबल में लिखा है एक कमाल की कहानी है, हम आम प्रचार करते हैं लेकिन बहुत बार उसके बारे में नहीं समझते। उसका सब कुछ खो गए थे, उसका पैसा खो गया था, उसका रिश्तेदार खो गए थे, उसका घर में कोई नहीं आते है, ये बाजार में नहीं जा सकती है, मार्केट में नहीं जा सकते है, सड़क में नहीं जा सकते है, अपना भाई के घर में एक शादी है तो नहीं जा सकते, उसका सब कुछ खो गया। लेकिन सब कुछ नहीं खोया है, क्या रह गया है, उसको सुनने का तबीयत था, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना है और बोला कि मैं यीशु मसीह के पास जाएगा। सुनिए उसको अंगीकार करने का तबीयत उसमें रह गया था। आपको मालूम है आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है आपका अंगीकार करने का है। आप गलत शब्द ना बोले, नकारात्मक बात ना कहे। काफी लोग कुछ किसी से पूछेगा हम हिंदुस्तानी लोग क्या करते हैं मालूम है, सुनिए अमेरिका का लोग जब सोने के लिए जाएंगे पति पत्नी से बोलेंगे डार्लिंग गुड नाइट, जर्मनी का लोग बोलेगा यू आर सो ब्यूटीफुल आई एम वेरी हैप्पी आई गॉट यू एज माय वाइफ, इंग्लैंड का लोग बोलेगा हैव गुड ड्रीम्स, कुछ अच्छे शब्द बोलेगा। हम हिंदुस्तानी लोग क्या बोलेगा, दरवाजा बंद किया था, कुत्ता को खोला था। हम तो कभी अच्छी बात नहीं पूछेगा, किसी को पूछो हम अंग्रेजी में, किसी को पूछो अमेरिका में हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू आई एम डूइंग ग्रेट, इधर पूछो कैसा है, चलता है, कैसा है, हाँ क्या बताऊं जी। मेरे पत्नी से कोई पूछे लिली हाउ आर यू, मालूम है वो क्या बोलेगा, आई एम ब्लेस्ड। आज से लेकर के नकारात्मक बात नहीं करना, आज से लेकर के खुशी की बात बोलना, मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, परमेश्वर ने मुझे अच्छा पति दिया, परमेश्वर ने मेरे को अच्छा पत्नी दिया, परमेश्वर ने मुझे अच्छा बच्चा दिया। जो होने के लिए चाहते वो तो बोलो। उसने बोला मैं यीशु मसीह के पास जाएगी और यीशु मसीह के कपड़ों को छुएंगे और उस वक्त में चंगे हो। सुनिए इतिहास में किसी ने इसे चंगा नहीं हुआ है, लेकिन इतिहास में जो नहीं हुआ है उसने वो बोला है। आप भी बोले जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है, बॉम्बे में किसी को नहीं मिला है, महाराष्ट्र में किसी को नहीं मिला, लेकिन आप बोलने शुरू करें मेरा चर्च में सब लोग बपतिस्मा लेंगे, मेरा बेटा MBBS पास करेगा, मेरा बेटी IAS पास करेगा, मेरा बिजनेस अच्छे होगा, मेरा तबीयत अच्छे होगा। मैंने बोला ना मेरा उम्र 77 हो गया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं 5 साल के बाद आप मिलेगा तो आप बोलेगा आपका बड़ा भाई को मैंने मिला था एक बार हमारा कन्वेंशन में प्रचार करें। अरे बड़ा भाई नहीं है मैं ही हूं, अरे रहने दे झूठ बोल रहा। सुनिए अच्छा दिन आ रहा है, अच्छा दिन आ रहा है, मोदी साहब बोल रहे अच्छा दिन आ रहा है, अभी तक नहीं आया, लेकिन मैं आपको बोलता हूं अच्छा दिन आ रहा है, यीशु मसीह आपके लिए अच्छा दिन ला रहा है। आप विश्वास करें और विश्वास से बोले मेरा अच्छा दिन आ रहा है, मेरा अच्छा दिन आ रहा है। हालेलुया। उसने यही बोल करके गया, उसका कपड़ा किसी ने चंगा नहीं हुआ ऐसा, उसने इतिहास को नहीं देखा। सुनिए विश्वास इतिहास को नहीं देखता है, विश्वास विश्वास का शब्द कहता है, इसलिए आप भी विश्वास का शब्द कहें। हालेलुया। यीशु मसीह मुझे ताकत देगा, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का ताकत मुझे मिलेगा और उसी से मैं और जवान होगा, मेरे बच्चे अच्छे होंगे, मेरा घर का हालत अच्छे होंगे, मेरा पति का उद्धार होगा, मेरा पति का स्वभाव बदल जाएगा। आप अच्छा शब्द बोले। हालेलुया। जो रह गया था उस स्त्री में क्या रह गया था, अंगीकार करने का, भविष्य के बारे में अच्छी बात बोलने का तबीयत रह गया था, उसको मिल गया है। मूसा के बारे में बोले जो आपने नहीं देखा है वो बताता हूं। मूसा के बारे में बोले निर्गमन का किताब, आपको मालूम है निर्गमन का किताब कहाँ है,
प्रकाशित वाक्य का पहले है। ढूंढते रहो, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ढूंढते रहो मिलेगा। निकाले, आपने देखा नहीं होगा, 9:8 निकाले, निर्गमन का किताब उत्पत्ति के बाद 9:8। इसके बाद यहोवा ने मूसा से और अहरून से कहा, अहरून से, थैंक यू। यहोवा ने मूसा और अहरून से कहा, तुम दोनों एक मुट्ठी भर करके राख ले लेना, और मूसा उस राख को आसमान की तरफ फेंकना। क्या है राख? मेरे को मालूम नहीं हिंदी में क्या लिखा है, राख ही लिखा है, लेकिन सही शब्द जो है राख नहीं है, पसम है। पसम का मतलब है कुछ नहीं रहा। राख में और कुछ रह सकता है, थोड़ा सा कोयला रह सकता है, लेकिन पसम में कोयला नहीं है। मलयालम में अच्छा लिखा, वेनियर। मैंने तलाश किया है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ऐसा प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी पॉइंट निकालने के वक्त ऐसा इतना खोज करता है ताकि कोई नुक्स ना रहे। वो राख हो पसम निकालना, दोनों निकालना। बाइबल में लिखा है मुट्ठी भर के ले लेना, वही थे मेरा पॉइंट। आप कुछ भी लेने के वक्त थोड़ा नहीं लेना, मुट्ठी भर के लेना, क्योंकि जो आपके लिए चमत्कार करने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप मांगने के वक्त थोड़ा नहीं मांगना। एक राजा था, राजा नहीं महाराजा था, इसका नाम है मोहम्मद गसनी। पता नहीं कौन सा साल में जिंदा रहा, 13वां आज से करीब 700 साल पहले जिंदा रहा मेरे ख्याल में। वो इंडिया में बार बार आता था, अफगानिस्तान को अटैक किया, हिंदुस्तान में आकर के इधर का खजाना सब लेके जाता था। एक बार जाने के वक्त, आपको मालूम है राजा लोग चलने के वक्त तंबू लगा देते हैं, वो उनका महल हो जाता है एक दिन के लिए, दो दिन के लिए। ऐसा एक महल में रहने का वक्त एक विथ ब्राह्मण उसका पास आया। उस वक्त ब्राह्मण लोग जो चलते हैं शर्ट नहीं पहनते थे, लुंगी था, धोती था, और एक कपड़ा डालता है, उसको क्या बोलता है, कपड़ा गला में डालता है, गमछा, सही शब्द ये है, वो गमछा डालता था। वो महाराजा के पास गया, बोला महाराज मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूं, मुझे 4 लड़कियां हैं, उनका शादी नहीं हुआ, मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरे मदद करें, मैं उनका शादी करा के मर जाएंगे, आप मेरे मदद ना करें, ये वृद्ध ब्राह्मण का दिल फूट जाएंगे, मर जाएंगे। ये मोहम्मद गसनी कौन है? आप इतिहास पढ़ेगा तो, मैंने पढ़ा है 7वां क्लास में पढ़ा है, ये कठोर दिल से भी कठोर दिल का है। ये जिस देश में जाते हमला करते जो हर जाता है, उनका बीच में से चलने के वक्त कोई महिला का छाती में बच्चे बैठ करके दूध पीते हैं, वो बच्चा को उठा करके आसमान पर फेंकता था, जब नीचे आने के वक्त तलवार में लेता था। वो दुश्मन जो हर गया उनको सड़क में लिटाने के बाद उसका ऊपर से हाथियों को चलाता था, कठोर दिल का था। लेकिन महाराजा का ये कठोर दिल का दिल बिगल गया। उसने बोला जहां मैंने अभी चोरी करके लाया ना, चोरी नहीं, हमला करके विजयी होकर के कब्जा करके लाया ना, वो हीरा मोती का बक्सा लाए। उनका मंत्री जाकर के हीरा मोती का बक्सा लाया, उसने बोला खोलो, खोल दिया। उसने हाथ डाला अंदर को, एक मुट्ठी भर के उसने हीरा मोती लिया और उसको बोला अपना गमछा दिखाओ। उसने गमछा दिखा करके बोला महाराज मुझे इतना का जरूरत नहीं है, मेरे को 2-3 का ही जरूरत है, मेरे को 4 लड़कियों का शादी कराना, इतना का जरूरत नहीं, मेरे को 3-4 दे दो, मेरा काम हो जाएगा। मेरे ख्याल में वो वृद्ध ब्राह्मण बॉम्बे का होगा, मेरा गांव का है तो अरे 4 से क्या शादी हो गया, हमारे उधर का लोग दहेज इतना मांगता, बॉम्बे में दहेज है नहीं है। हालेलुया,
जो दहेज के लिए लड़ाई करते हैं मैं उनको लात मारना चाहता हूं। दहेज देना चाहिए, दहेज लेना चाहिए, लेकिन दहेज के लिए बहस नहीं करना चाहिए। कोई बहन लोग सोचता है अच्छा होता मेरा पति भी ये सुन लेता है तो अगले बार कन्वेंशन होने के वक्त अच्छा प्रचारक को बुलाना, उनको भी लेके आना, वो बाकी प्रचार करेगा। जितना मेरे हाथ में है मैं उतना प्रचार करता हूँ। उसने बोला महाराज मेरे को इतना का जरूरत नहीं, मेरे को तीन चार ही चाहिए। महाराजा ने ऐसा बोला, कठोर दिल का महाराजा ने ऐसा बोला, तुम मांगते हो तुम्हारा जरूरत के मुताबिक, लेकिन हम दे रहा है हमारे आशीष के मुताबिक। मेरा परमेश्वर कौन है? ये मोहम्मद गजनी से अच्छा परमेश्वर है। इसलिए आप मांगने का वक्त थोड़ा नहीं मांगना, दिल खोल करके मांगो, गमछा पूरा दिखा दो। अगर गमछा छोटा रह गया तो बेडशीट डाल दो, नहीं तो बोरी लेकर के बोलो महाराज ये मेरा बोरी भर दो, थैला नहीं बोरी भर दो। हालेलुया। इधर बोला है मुट्ठी भर के, अंडरलाइन कर लो बाइबल में, मुट्ठी भर के और राख ऊपर को फेंको। वापस आने का वक्त सुनिए, अब घर में जाने का वक्त कंफ्यूज नहीं होना। जो मूसा के लिए चमत्कार चाहिए था परमेश्वर मूसा के लिए दिएगा। आप भी सुने, आपके पास भी कुछ राख है, आपका सपना राख बन गया, आपका तंदुरुस्ती राख बन गया, आपका बच्चों का जिंदगी राख बन गया, आपका बिजनेस राख बन गया, आपका भी कुछ राख बन गया। आप जाएं, आप उठाएं, राख उठाएं आसमान की तरफ। आसमान में कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर की तरफ फेंगे। जब वो राख नीचे आया, मूसा के लिए जो चमत्कार चाहिए था वो चमत्कार मूसा को मिला है। आपको जो चमत्कार चाहिए वो चमत्कार आपको मिलेगा। मैं थियोलॉजी प्रचार नहीं कर रहा हूं, जो बाइबल स्कूल में सिखाया वो प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैंने जो बाइबल में सीखा है वो प्रचार करता हूं। मैंने देखा है, मेरा जिंदगी में अनुभव हुआ है। हालेलुया। आपका कुछ राख बन गया, आपका सपना राख बन गया, आपका 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 विचार राख बन गया, आपका बिजनेस राख बन गया, आपका पति राख बन गया, आपका पत्नी राख बन गया, आपका बच्चे राख बन गया। आप उसको परमेश्वर की तरफ डाल और नीचे आने का वक्त जैसा मूसा के लिए चमत्कार चाहिए था मूसा के लिए चमत्कार बन गया, और राख नीचे आने का वक्त आपके लिए एक राख बन जाएंगे, आपके लिए एक चमत्कार बन जाएंगे। और आगे जाए, हालेलुया। किसके बारे में प्रचार करूं? परमेश्वर दाऊद, दूसरा राजा में एक विधवा है जिसका बच्चे दोनों, जिसका कर्जदार था वो आकर के लेके जा रहे थे। परमेश्वर ने, एक दास ने पूछा, तुम्हारे घर में क्या? थोड़ा सा तेल बस, वो काफी है। जो तुम्हारे पास रह गया है वही काफी है, जो तुम्हारे पास रह गया थोड़ा सा तेल वही काफी है। तुम्हारा जरूरत बड़ा होगा, तुम्हारे सामने जो मड़का खाली है हजार होगा, लेकिन तुम्हारे पास जो रह गया है उसी को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आपके अंदर कुछ रह गया है, आपका तबीयत रह गया है, आपका विश्वास रह गया है, आप बाइबल का 10 पद बोल सकते हैं वो रह गया है। आपके पास जो रह गया है उसको परमेश्वर इस्तेमाल करके आपके पास जितना खाली बर्तन है वो सारे भरने वाला है हमारा परमेश्वर। खत्म नहीं हुआ है, आगे जाऊं कहां जाऊं यार, कहां जाऊं? हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। अभी हम आएंगे यीशु मसीह का मौत, क्रूस पर मरा। काफी लोगों का, कुछ लोगों का घर में जाने को वक्त यीशु मसीह का फोटो हम देखते हैं, मेरे को हंसी आता है। ऐसा लगा हुआ है, इधर थोड़ा खून जैसा लड़की लोग लिपस्टिक लगाते हैं, इधर थोड़ा लिपस्टिक और इधर थोड़ा लिपस्टिक, इधर थोड़ा सा लिपस्टिक, खत्म। वो यीशु मसीह का फोटो नहीं है। यीशु मसीह का असली फोटो आपको लेकर के दे दे, आप घर लेकर नहीं जाएंगे, आप उसको फ्रेम करके नहीं डालेंगे। आपने देखा है पैशन ऑफ क्राइस्ट, कोशिश करें कल देखने का, कल दोपहर के बाद घर में बैठ करके सब लोग देखने का, वेब पेज में जाए देखें। अगर वो यीशु मसीह का फोटो सलीब से लेकर के दे दे, आप घर में लेकर नहीं जाएंगे। सुनिए, मर गया। एक फौजी आदमी ने जाकर के देखा है मरा है कि नहीं, उसने फाला लिया यीशु मसीह का, सीना पर फेंक दिया और जोर से खींच लिया। बाइबल में लिखा है कि खून और पानी आया है, खून पानी बहेगा,
खून, अरे खून तो आएगा, डॉक्टर को पूछ लो, नर्स को पूछो, किसी को ऑपरेशन करने के वक्त खून आएगा, पानी नहीं आएगा, लेकिन मेरे पास सबूत है, मेरे पास किताब है, मेरे पास सबूत है। एक आदमी का शरीर बहुत जोर से चारों तरफ खींचा जाए और जोर से चिल्लाए, आज भी मेरे पास नोट आया है, और जोर से चिल्लाए, जैसा दूध फट जाता है वैसा उसका खून फट जाएगा। एक आदमी का शरीर में 3 लीटर खून है, उसमें से 80% है खून, बाकी पानी है। यीशु मसीह जोर से चिल्लाया, एली एली लमा सबक्तन, उसका खून फट गया। और फौजी ने जब फाला को बाहर निकाला, खून बहा, इसके बाद पानी भी बहा, इसका मतलब खून नहीं रहा उसका, इसलिए हम लोग बोलते हैं आखिरी बूंद खून तक आपके लिए बहा, आपको उद्धार फ्री मिला है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा कीमत चुका है, भूलना नहीं, आपको फ्री मिला है, मुझे भी फ्री मिला है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा कीमत दिया है। सुनिए, 2 रेगिस्तानी चेले लोग आया, यीशु मसीह का शरीर नीचे उतारा, उसको साफ किया, बाहर किचड़ खून साफ किया, 100 पाउंड का, बाइबल में लिखा है, योना का सुसमाचार 20 में लिखा है, 19 में लिखा है, यीशु मसीह का शरीर में 100 पाउंड करीब 45 किलो का मसाला दवाई लगाया और उसको एक खबर के अंदर रख दिया। मेरा विचार में उस दिन रात को शैतान का जहन्नम में बड़ा नाटक हो गया होगा, बड़ा डांसिंग हो गया होगा, बड़ा पार्टी किया होगा, विस्की पार्टी, ब्रांडी पार्टी, रम पार्टी, जिन पार्टी, शराब पार्टी, अरे सारे पार्टी हो रहे हैं। क्या हो रहा है? यीशु मसीह को हमने मार दिया, परमेश्वर का बेटा को मार दिया, अभी उसका मसीहत खत्म हो गया, गॉस्पल खत्म हो गया, सब बड़े पार्टी कर रहे हैं। सुनिए, लेकिन बाइबल में लिखा है, कहां लिखा है? एफिसी के खत, पहला खत, पहला और दूसरा अध्याय, पहला अध्याय में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आ करके उसको उठाया, ईस्टर का दिन में, शनिवार को रात को, एक बाइबल का आयत बोले, अय्यूब का किताब लिख लो प्लीज, प्लीज अय्यूब का किताब 14:7-9, जिन्होंने यह देखा नहीं है जरूर देखना, लिख लें, लिख लें, अय्यूब का किताब 14:7-9, उधर लिखा है, हालेलुया, आकर एक पेड़ काटा जाए, वो पेड़ खत्म हो गया समझ लो, उसका जड़ भी खत्म हो गया समझ लो, लेकिन लिखा है 9 पद में लिखा है, लेकिन पानी का खुशबू उसके तरफ आएगा, जो रह गया है वो एक युवा पेड़ बन जाएगा। पेड़ का खुशबू आने से, स्मेल आने से, गंध आने से, सुगंध आने से, पानी किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पेड़ खत्म हो गया, उसका जड़ भी खत्म हो गया, सड़ गया, कुछ भी नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ था, पानी नहीं आया, पानी का सुगंध आया है, पानी का खुशबू वहां से आया है, पानी का स्मेल आया, जब स्मेल आने के बगैर ये पेड़ बन जाना गया, वो युवा एक पेड़ बन गया। ईश्वर मसीह पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया, वो सड़ा हुआ 3 दिन हो गया था, बदबू होने का होगा, बदबू नहीं हुआ है वो अलग बात है, दवाई लगाए थे। सुनिए, वो खड़ा हो गया, वो बाहर आया, हालेलुया, आज रात इसी का यादगारी का दिन है, यीशु मसीह का शरीर कब्र के अंदर रखा गया था, लेकिन पवित्र आत्मा का खुशबू आया, वो जीवित हो गया। आपका भी कुछ सूख गया है, आपका बाजू सूख गया है, आपका हाथ सूख गया है, आपका घुटना सूख गया है, आपका सपना सूख गया है, आपका कलेशिया सूख गया है, आपका बटुआ सूख गया है, आप विश्वास करेगा तो हालेलुया, बटुआ में ताकत आएगा, पवित्र आत्मा का खुशबू आने का वक्त। मुझे 5 बच्चे हैं, मेरा दूसरा लड़का स्वीडन में बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, उसको उधर कुछ दोस्त लोग मिल गया यूरोप में, उसको बोझ हो गया यूरोप के बारे में, विदेश में जाने के लिए नहीं था, उसका बोझ हो गया, परमेश्वर ने बोला तुम्हारा मिशन फील्ड है यूरोप,
जहां और कोई नहीं जाता है। यूरोप में सब लोग जाएगा इंग्लैंड में, जर्मनी में कोई नहीं जाएगा, हॉलैंड में कोई नहीं जाएगा क्योंकि उधर का भाषा अलग है, इटली में कोई नहीं जाएगा। उसने बोला, परमेश्वर ने बोला, तुम्हारा जगह यही है। वो पढ़ाई के बाद वापस आया मेरे पास, एक दिन आकर बोला, डैडी मुझे निमंत्रण आया है, मुझे इन्विटेशन आया पाँच छः देशों से, मुझे जाने दो, मेरे को टिकट लेकर दे दो लंदन तक और वापस आने के लिए। मैं थोड़ा कठोर दिल का पिताजी है, मैंने बोला वापस आने के वक्त पैसा दिएगा तो टिकट लेकर देगा। उसने बोला ठीक है पक्का देंगे। मैंने उसको लंदन तक जाने आने का टिकट लेकर दिया और उसके पास पैसा नहीं है जाने का, उसका बहन के पास $30 किसी ने दिया है। उसने जा करके ऐसा बोला, ग्रेस खुदावंद यूं कहता है तुम्हारे पास $30 है मुझे दे दो। वो लड़की डर गई है, निकाल करके $30 ले लिया, दे दिया। उसने बोला ग्रेस मैंने मजाक किया, वापस आकर दे देंगे। सुनिए, वो $30 लेकर के लंदन में गया। लंदन में $30 कुछ भी नहीं है, उधर का $20 है। सिर्फ इतना नहीं, उसको जहां जाना है एंसवर्थ बोल करके एक जगह है, ट्रेन पकड़ करके जाना है, उधर तक जाने के लिए उसको चाहिए $30। वो जाने के वक्त एयरपोर्ट में पहुंचने के वक्त उसको डर आया, अरे मैं उधर जाने के वक्त मेरा टैक्सी पकड़ना है तो टैक्सी के लिए पैसा नहीं है, क्या करेगा। उसको याद आया उसका डैडी सिखाया था, मेरा बेटा का डैडी ने उसको सिखाया था, बेटा तुमको कुछ भी चाहिए बाइबल से एक आए तो निकाल करके बोलना चाहिए, आए तो तुम्हारे अथॉरिटी परमेश्वर से बोलना चाहिए। उसने सोचा बाइबल में कहां लिखा है डॉलर मिलेगा, उसने सोचा कहां लिखा है डॉलर मिलेगा। उसको याद आया बाइबल में लिखा है अथर्मियों का पैसा थर्मियों के लिए बचा कर रखा। उसने बोला हल्लेलुया, लंदन में बहुत अथर्मी लोग हैं, मैं थर्मी है। वो चलते चल रहे, थोड़ा मोटा है वो चल रहा है, खुदावंद इधर लंदन में बहुत अथर्मी लोग हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में ये अथर्मी लोग आए, मैं थर्मी है मुझे पैसा दे दे। वो चल रहा है, उसके साथ एक आदमी जा रहा है, वो बैग लेने के लिए जा रहा है। उसके पास आकर पूछा, आप कोई फादर है चर्च का? उसने बोला हाँ जी फादर है। बोला आप पोप को जानता है? उसने बोला मैं हूं पोप। वो डर गया, उसका अंग इतना मोटा हो गया, उसने बटुआ निकाल करके £100 उसको दे दिया। बोला मैं पोप को थोड़ा पैसा देने के लिए, उसने पैसा ले लिया। लेने के बाद बोला मैं मजाक किया, मैं पोप नहीं हूं। उसने बोला कुछ भी हो, मैं पोप को पैसा देना चाहता था, मैंने आपको दे दिया, आप ही ले लो। बाद में मेरा बेटा को शक हो गया, जा रहे दोनों। उसने जाकर पूछा यह तो बताओ आप प्रोटेस्टेंट है कैथलिक है? उसने बोला मैं ये दोनों नहीं है, मैं हिंदू है। समझ में आया आपके पास जो रह गया है, सुनिए खत्म नहीं हुआ। उसने जाकर बैग लिया, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट में ही है, एयरपोर्ट एक तरफ रेलवे स्टेशन इधर दूर रखता है, क्यों टैक्सी वाला को पैसा मिले। उधर एयरपोर्ट में रेलवे स्टेशन है, उसने टिकट लिया इंसवर का, उधर जाने के लिए ट्रेन के अंदर चढ़ रहा था, उधर एक गोरा लड़का जवान खड़ा था, उसको देखकर बोला अरे आपके पास दो सूट कैसे, मैं उठा लूँ थोड़ा मदद कर। इसके बाद मेरे बेटा को देखे, बोला मैंने आपको कहीं ना कहीं देखा है। हाँ याद आ रहा है, आपने टेलीविजन में प्रचार कर रहा था, आपको कोई पैसा देगा तो परमेश्वर उनको वापस करेगा, इसलिए $50 उसको दिया। दो तीन लड़के उन्हें पूछा अरे आप हिंदुस्तानी को क्यों इतना पैसा? बोला ये बड़ा प्रचारक है, इसको कोई पैसा देगा तो। सुनिए वो एंसवर्थ में जाकर उतरने के वक्त £350 उसका हाथ में था। अभी मजाक की बात सुनो, उसने कभी प्रचार ही नहीं किया टेलीविजन में। हालेलुया हालेलुया, हिंदू पैसा देता है, बाकी लोग पैसा देता क्यों? उसने बाइबल का आयत को याद किया थोड़ा ही, एक बात अथर्मी लोगों का पैसा थर्मी लोगों को ले रखा है, अब बाइबल को सिखा। लेकिन कुछ लोगों को एक ही आयत दिया, यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कोई कठिन नहीं होगा। आगे बोलो, आगे तो नहीं मालूम है। सुनिए बाइबल सीखें, जवान लोग बाइबल सीखें, माता जी बाइबल सीखें, पिताजी बाइबल सीखें, अपना बच्चों को भी सिखाएं। हालेलुया हालेलुया, आपके पास जो रह गया है वही काफी है। जब पवित्र आत्मा आएगा आपका कलीसिया बढ़ेगा, पवित्र आत्मा आएगा आपका तंदुरुस्ती बढ़ेगा। पवित्र आत्मा वो पवित्र आत्मा जो मुर्दों में से यीशु मसीह को जिंदा किया, वही पवित्र आत्मा इतने ताकत है असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा। अब विश्वास करें और बोले हो जाएगा। एक आदमी के बारे में और बोले, इसके बाद बंद करेगा। कौन? दाऊद। दाऊद दाऊद एक दिन दाऊद का पिताजी ने बोला बेटा हाँ पापा
हमारे भाई लोग लड़ाई करने के लिए गया, शौल राजा का फौज में भर्ती होके, चालीस दिन हो गया। अरे यहां तो लड़ाई दो तीन दिन का होता है, पता नहीं दो महीना में क्या नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा कर लो, तुम जा करके थोड़ा तलाश कर लो क्या हो गया, कुछ खाना भी लेके जाओ। उसने खाना लिया, वो मेरे जैसा था, वो नाच के चलता था। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। वो जा रहा था, जाने के वक्त देखा एक बड़ा आदमी खड़ा है, लंबा चौड़ा, वो चिल्ला के बोल रहा है, तुम लोग कौन हो, तुम लोग सब शाऊल का दास लोग है। सुनिए, आप एक चर्च का दास नहीं है, आप एक पास्टर का दास नहीं है, आप एक मिशन का दास नहीं है, आप यीशु का दास है। कोई लोग यही बोलेगा, आप आईपीसी का दास है, नहीं, असेंबली ऑफ गॉड का दास है, नहीं, आप दूसरा चर्च का दास है, नहीं, आप यीशु का दास है। शैतान आपको धोखा देगा। ये गोलियत उधर से बोलता था, तुम लोग सब शाऊल का गुलाम है, किसी को हिम्मत है तो एक आदमी आए मेरे साथ लड़े। सुनिए, इसमें से किसी को हिम्मत नहीं था आगे जाके बोलने के लिए, तुम कौन है बोलने वाला? अरे हमारे लिए फैसला तुम कौन करता है? सुनिए, परमेश्वर का कलाम में, परमेश्वर का पुस्तक में कहीं भी एक आदमी के साथ लड़ने के बारे में नहीं लिखा है। हमेशा ग्रुप फाइटिंग है, लेकिन ये शैतान ने उनको धोखा दिया, एक आदमी आए। सुनिए, अब अकेला शैतान का साथ लड़ने का कोशिश नहीं करना, बाइबल में ऐसा नहीं है। संगति, सवाल पूछता हूं, चर्च में जाता है? कुछ लोग तब जाता है जब मुसीबत आने का वक्त। कहा है आप? पीजी पर किसका टेलीफोन नंबर किसी ने लिखा है? दे दो ना, मेरे लड़की किसी के साथ भाग गया, वापस नहीं आया, पीजी पर किसका फोन नंबर? नहीं यार, आज जब अच्छे है, सब अच्छे है, उस वक्त परमेश्वर का आधा परमेश्वर के साथ रिफाकत रखना, रिफाकत नहीं छोड़ना। एक छुटकला बोलो, एक जवान लड़का सो रहा था, बॉम्बे में नहीं पुणे में वो सो रहा था, उसका मम्मी ने जाकर उसको जगाया, हे गायकवाड़, उसका नाम मैं डाल देता हूँ, अनिल गायकवाड़, अनिल उठो। नहीं, अरे उठो तो सही, क्यों उठना? बैठ गया। ये बताओ मैं क्यों उठना है? बोला अरे चर्च जाना। मुझे बोलो चार अच्छा कारण, बोलो मैं क्यों चर्च में जाए। मम्मी ने बोला ठीक है मैं बताता हूं, तू क्यों चर्च में जाना है, आज संडे है चर्च में जाना। नंबर दो, तू 30 साल उम्र का हो गया चर्च जाना। नंबर तीन, 9:30 गया, 10 आराधना चर्च जाना। नंबर चार, तू चर्च का पास्टर है, चर्च में जाना ही पड़ेगा। सवाल पूछता हूं, चर्च में आता है? जब आप सब मेरे बात सुनो, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं आया, हंसाता हूं अच्छा लगता है, लेकिन सवाल है जब अच्छे है सब आराधना के लिए जाते हैं। दाऊद गया, ये चिल्ला रहा था, एक आओ। दाऊद ने पूछा ये कौन है? वो ये फिलिस्ती है, लड़ाई करने के लिए आया। पिछला 40 दिन कोई मुझे एक पत्थर दे दोगे? एक पत्थर गोलियत के पास 7 पत्थर था, 7 था, कितना था? 5 पत्थर था। हालेलुया, 5 पत्थर था। कौन बोला 5? इधर आ जाओ, पेन ले लो। हाँ, 2500 पैसे के पेन। सुनिए, मैं एक जगह पर पूछा 10 हुकुम कितना है, एक ने बोला 1। अरे 10 हुकुम कितना है वो भी नहीं पता है, लेकिन कम से कम इसको इतना पता है, माँ बाप अच्छी तरह सिखाया, और सिखाओ बस ना करना। दाऊद ने बोला ये कौन है यार, कौन है हमारे लिए हमें हुक्म देने वाला? उसने बोला मैं इसको मार देंगे, थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, मैं इसको मार दे। मैंने 2 किताब लिखा है मलयालम में, दाऊदम 5 कल्यम, शत्रु निंगड़े काल कीड़ पढ़ना, मलयालम अरियावन वायकना। बोला ये कौन है? बोला मैं इसको मार देंगे। राजा को पता चला, राजा ने बुला कर बोला
अरे तू इसको मार नहीं सकता है, ये तो तू तो छोटा लड़का है, तू 12-13 साल का लड़का है, ये तो जवानी से लेकर के युद्धवीर है, तू उसका साथ लड़ नहीं सकता। सुनिए भैया, जब आप परमेश्वर का काम करने के लिए जाएगा, राजा लोग, आपका पास्टर लोग, आपका सीनियर लोग आपको निराशा में डालेगा, लेकिन निराशा में नहीं पड़ रहा। दाऊद को राजा ने बोला तुम नहीं जीत सकता है, ऐसा कर लो, अगर जाना है तो भी मेरा तलवार ले लो, मेरा जूस ले लो, मेरा ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट ले लो, मेरा बाइबल स्कूल से एक सर्टिफिकेट ले लो। उसने बोला मेरे को इसका जरूरत नहीं है, अच्छा है लेकिन अभी मेरे को नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। उसके पास क्या है, एक क्या बोला था यार पहले, गोफन, एक गोफन है। ये कहां से, मध्य प्रदेश से। जब मैं उधर गया था उन्होंने मेरे को मुकुट पहनाया, अभी भी उन लोग इसी से शिकार करते हैं, अभी भी उन लोग इसी से ट्रक को मारता है, उनका पास इतना एम करते हैं, वो पत्थर रख करके शुम, वो पत्थर सीधा जा करके चलने वाला गाड़ी में ड्राइवर का सिर पर लगेगा, गाड़ी उठ जाएगा। दाऊद के पास एक गोफन था, वो गोफन लेकर के जा रहा था। उसने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, क्या है यार, इसको कोई कीमत नहीं है, चाइनीज चाइना में नहीं बनाया, ये प्लास्टिक का नहीं है। जब वो जंगल में बैठा करता था, उधर से कोई कोई जंगली पत्थरों से बनाया, बेकीमत का है, मेरा मतलब ये है इट हैज नो वैल्यू, बाजार में ले जाकर बेचेगा तो कोई 10 पैसा नहीं देगा, बेकीमत ही है। और उसने 5 पत्थर उठाया, पत्थर कौन सा है, जंगल में पड़ा है, पहाड़ में पड़ा है। उसका भाई लोग, ये फौजी लोग सवेरे उधर को जाने के वक्त उसके ऊपर पैर लगा के जाता था, वापस इसी के ऊपर पैर लगा के आता था, शाम को इसी के ऊपर पैर लगा के आता था, शाम को इसी के ऊपर पैर लगा के वापस आता था। सुनिए, पिछला 40 दिन ये सारे फौजी लोग इसी बेकार बेकीमत का पत्थर का ऊपर पैर लगाता था। सुनिए, बेकीमत का पत्थर, बेकीमत का गोफन, ये दोनों परमेश्वर का नाम के साथ आ गया तो कीमती हो गया। अब बेकीमती होगा, आपका विश्वास बेकीमती होगा, आपको कोई इज्जत भी नहीं होगा समाज में, लेकिन मैं आपको बोलता हूं आप परमेश्वर का साथ चलेगा तो आप कीमती हो जाएगा। एक बार में अहमदाबाद के पास एक जगह है, महमदाबाद, काफी लोगों ने नहीं सुना है, बड़ा शहर है महमदाबाद। महमदाबाद में मैंने एक बाइबल क्लास लेने के लिए गया, उधर एक मिशन है, ये टीम बोल करके द अलायंस मिशन, अलायंस मिशन का हेडक्वार्टर है, उधर का पास्टर लोगों में क्लास लेने के लिए गया। मैंने प्रचार करने के आखिरी दिन रात को मैं मेरे पत्नी के साथ सो रहे थे, मैंने बाथरूम जाने के लिए पैर नीचे को रखा, वहां में एक बिच्छू था, बिच्छू मेरा पैर में काट दिया। दूसरे दिन मेरा पैर सूज गया, मैं खड़ा होना मुश्किल था, मैंने पैर उठा करके कुर्सी में रखते हुए मैंने प्रचार किया। तब तक मेरा दामाद आया, वो कुछ अहमदाबाद का है, मैं लास्ट मीटिंग था, उसने मुझे घर में लेके गया। उसका पिताजी पास्टर योहन्नन मैथ्यू, कोई जानता है पास्टर योहन्नन मैथ्यू अहमदाबाद का, कोई नहीं जानता है, बड़ा माना हुआ बुजुर्ग आदमी है, हम दोनों, वो मेरे से ज्यादा बुजुर्ग है, योहन्नन मैथ्यू उसका पिताजी। उसने बोला अच्छा हुआ पाया है, हम कुछ घर विजिट करेंगे। मैंने बोला मेरे पैर सूज गया, कोई बात नहीं गाड़ी में तो हम जा रहे हैं। हम गाड़ी में बैठ गया, मैं जाने के वक्त बोला हम पहले जा रहे एक आदिवासी लड़की का घर में। वो कौन है, एक पुलिस, साधारण पुलिस सिपाही, पुलिस सिपाही का पत्नी है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप समझते हैं, दस्तखत करना नहीं आता है, कहीं दस्तखत करना है तो अंगूठा छाप है, आदिवासी है, गुजराती आदिवासी है, कोई कीमत का नहीं है, पुलिस में सबसे छोटा एक पुलिस का पत्नी है, उसका घर में जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, हम जा रहा था। उसने बोला ये बहन में खूबी है, वो प्रार्थना करने के लिए उसका घर का पास कम से कम 25-30-50 लोग तक रोज आता है। मैं डर गया, अरे मेरा घर का सामने तो 4-5 ही आता है रोज, इसका घर का सामने कम से कम 25 लोग आता है। मैंने पूछा अभी तक उसने दूसरा चर्च शुरू नहीं किया, हमारा केरला में है तो 5 लोग चंगा हो जाएगा तो वो दूसरा चर्च शुरू करेंगे। बोला नहीं, 25 साल से हमारा चर्च में आते हैं, आज तक उसने दूसरा चर्च शुरू करने का कोशिश नहीं किया। अच्छे है, शायद वो बॉम्बे का होगा, नहीं यार अहमदाबाद का है। हम उनका घर में गया, कुर्सी में बैठे थे, वो भाई नीचे बैठी, हाँ अरे इतना चमत्कार होता है फिर भी नीचे बैठती है,
हली मोरना अच्छा है। केरला में एक जाकोबा चर्च है त्रिवेंद्रम में, उधर का जो छोटा काम करने वाला कपियार है मालूम है कौन है? डॉक्टर बाबू पॉल आईएएस। क्या करते हैं? पास्टर साहब का कपड़ा उठाते हैं, फादर साहब का छोटा छोटा काम। कौन? डॉक्टर बाबू पॉल मेरा दोस्त है, हलीम रहे हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता होगा, लेकिन आप पास्टर से बड़ा नहीं है। वो लड़की नीचे बैठी, मैं उसका नाम भूल गया, उसमें पैर हिला रहा था, मेरे पैर में बहुत सूजन है, दर्द हो रहा है। उसने बोला पास्टर साहब आपका पैर सूज गया। मैंने बोला बिच्छू काटा, कोई बात नहीं मैं प्रार्थना कर लेंगे। उसने मेरा पैर को पकड़ करके प्रार्थना, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं कौन है थोड़ा थोड़ा तारीफ करूं मैं अपने आप का, मैं कौन हूं? इंडियन इवेंजेलिकल टीम का संस्थापक रेवरेंट डॉक्टर ब्रदर प्रीचर पीजी वर्गीस। ये कौन है? आदिवासी अंगूठा छाप पुलिस कांस्टेबल का पत्नी। वो ऐसा करना चाहिए था, पास्टर साहब हाँ जी आपका पैर को थोड़ा मैं पकड़ लो प्रार्थना, कुछ नहीं किया, मेरा हिजाब तो नहीं मांगा, उसने मेरा पैर को पकड़ कर, मेरे को अच्छा नहीं लगा, सच बोल रहा हूँ अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसा उसने आमीन कहा मेरा पैर ठीक हो गया। आपके पास जो है बेकीमत बेकार साधारण पत्थर, जो सब पैर लगाता है वही पत्थर होगा। आपके पास जो होगा बेकीमत बेहिज्जत एक गोफन होगा, बस वही काफी है, परमेश्वर आपका साथ है। 2001 दिसंबर महीना में एक पुलिस ऑफिसर इस बहन का घर में गए, सल्यूट मारा, बोला हमारा मुख्यमंत्री जी आपको घर में बुला रहे हैं, जनवरी 15 तारीख को आप मुख्यमंत्री का घर तक आओगे? उसने बोला हाँ जी आएंगे। सुनिए वही लड़की कौन? आदिवासी अनपढ़ अंगूठा छाप पुलिस कांस्टेबल का पत्नी, जनवरी 15 तारीख 2002 जनवरी 15 तारीख को मोदी साहब का घर में गया, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री था, उसका घर में गया, उसको आदर के साथ स्वीकार किया, लड़की को कुर्सी में बिठाया और मुख्यमंत्री और उसका माता जी नीचे बैठे और बोला हमारा सिर पर हाथ लगा कर प्रार्थना करो। क्या उसका डिग्री है? उसने बीए पास नहीं किया, 10 क्लास पास नहीं किया, उसने 12 क्लास पास नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर को जानता है। आप अनपढ़ होगा, आपने 10 क्लास पास नहीं किया होगा, बाइबल में कितना किताब है आपको नहीं मालूम होगा, यहोवा चरवाहा आपको पूरा बोलना नहीं आता, लेकिन आपके पास जो है उसको इस्तेमाल करो। दाऊद ने बोला मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे पास एक गोफन है बेकार बेकीमत, एक गोफन कहां गया? गोफन छिप गया, इधर ही है, और एक पत्थर, बस यही काफी है, यही काफी है, मेरे पास जो है वो काफी है, वही काफी है। थोड़ा पत्थर फेंक करके देखूं कितना दूर तक जाएगा, जो मेरे से दुश्मनी है वो हाथ उठाएं, मेरे को कोई कोई ना कुछ कुछ ना कुछ निशाना चाहिए, कर लो नहीं गिरेंगे, नहीं गिरेंगे, मैंने कोशिश किया, इसको गिराने का कोशिश करेगा तो भी नहीं गिरेंगे। सुनिए उसने पत्थर उठाया और रख करके उसने घुमा घुमा के उसने देखा मोटा थकड़ा, वो दुश्मन ने देखा पत्थर फेंकड़ा, उसने हंसा, आज हंसो कल हंसने का मौका नहीं मिलेगा, आज ही हंसो, आज तुम्हारे आखिरी मौका है, हंसो। उसने जोर से हंसा, मेरा विचार ऐसा है, दाऊद ने जब पत्थर को फेंका है उसने देखा पत्थर आ रहा है, उसने इधर को हो गया होगा और इधर को हो गया होगा, मेरा विश्वास ऐसा है जहां वो हटता था वहां पत्थर जाता था। दाऊद का खूबी नहीं, दाऊद का मुंह में जो परमेश्वर का नाम था उसी का खूबी से
हालेलुया। जो आप नाम लेता है यीशु मसीह का नाम है, साधारण नाम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है वो पत्थर जाकर के उसका सिर पर लगा, नहीं नहीं हो सकता है। आपको मालूम है उसका सिर में एक हेलमेट लगा हुआ है। आपको मालूम है हेलमेट कितना मोटा है? कम से कम 1 इंच मोटा लोहा का बनाया है, तांबा का लोहा का बनाया है। वो लोहा का हेलमेट भी तोड़ करके उसका सिर में जाकर लगा। सुनिए मेरी बात, बाइबल में लिखा है कि वो गोलियत सामने को गिरा। अपने साइंस से सीखा है एक पत्थर आकर के किसी का माथे पर लगे वो आगे को नहीं गिरेगा, पीछे को गिरेगा। आगे को क्यों गिरा है मैं बताता हूं। वो परमेश्वर का दास दाऊद 12-13 साल का लड़का का सामने झुक के बोलता था तेरा परमेश्वर बड़ा है। सुनिए, वो दाऊद का सामने नहीं झुका है, लेकिन दाऊद का अभिषेक का ऊपर झुका है। आपके अंदर कौन वास करता है? यीशु मसीह। कौन सा यीशु मसीह? जो सलीब पर मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा है, वही यीशु मसीह आपके अंदर है। आपके अंदर होने के कारण आप बोलने के वक्त कैंसर का बीमार अच्छा हो जाता है, जब आप बोलने के वक्त बारिश हट जाता है, जब आप बोलने के वक्त किसी ने मेरे से पूछा है आपने सब देखा हुआ सबसे बड़ा चमत्कार क्या है। एक बार मैं केरला से जा रहा था, एक अनाथ लड़का भी मेरे साथ था, 12 साल का लड़का है, लेकिन उसको देखेगा तो कोई सोचेगा 8 साल का है। जब मैं दिल्ली पहुंच गया, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, जब दिल्ली पहुंच गया मेरा ट्रेन चला गया, जम्मू जाने का ट्रेन चला गया। मेरे को नहीं मालूम है क्योंकि उन्होंने ट्रेन का टाइम बदल दिया था। हिंदुस्तान सरकार इतने अच्छे है, बार बार ट्रेन का टाइम बदलते हैं ताकि हम परेशान हो जाए। ट्रेन का टाइम बदल गया था। मैंने कूली से पूछा मेरा ट्रेन कब जाएगा, बोला वो 3 बजे चला गया। अरे मैं फंस गया, अभी मैं क्या करूं? और ट्रेन नहीं है उस वक्त जम्मू जाने के लिए, एक ही ट्रेन था पुणे से आता झेलम एक्सप्रेस, और कोई ट्रेन नहीं है। मेरा ट्रेन चला गया, क्या करूं? उस वक्त पुणे से नहीं आता था, उस वक्त झेलम एक्सप्रेस दिल्ली से स्टार्ट करता था। मेरा ट्रेन चला गया, मेरे पास पैसा नहीं है कोई होटल में जाकर रहने के लिए, मैं दिल्ली में किसी को जानता भी नहीं है, मैं नया नया खिदमत पर निकला है। अभी मैं सोचा क्या करेगा यार, अभी मैं रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म में सो जाए लड़का मर जाएगा, क्योंकि उसका पास छोटा सा निकर है और सर्दी बहुत है, वो खांब रहा था। मैंने सोचा अभी क्या करूं, मेरे पास पैसा भी नहीं है होटल में जाने का। मैंने सोचा सुनो यार, मैं भी थोड़ा सा कोशिश करूं। मैंने जो ट्रेन गया उसको बोला है ट्रेन वापस आ जाओ। अरे बोलने में क्या फर्क पड़ता है, गया मिला है तो हाथी, गया है तो गेंदी है, मिला है तो एक हांदी हाथी, गया है तो एक गेंदी। मैंने बोलना शुरू किया जो ट्रेन गया है वापस आ जाओ, यीशु के नाम में वापस आ जाओ। कुछ मैं मलयालम में प्रार्थना कर रहा था, हिंदी में प्रार्थना करेगा कोई पुलिस आकर पकड़ लेगा तो ट्रेन को वापस बुला रहा है, बाकी लोग सोचेगा मैं पागल है, इसलिए मैं मलयालम में बोल रहा था जो ट्रेन गया है यीशु के नाम में वापस आ जाओ। मेरे को चमत्कार चाहिए चाहिए था। अरे अरे लड़का मर जाएगा रात को, दूसरा दिन जाएगा तो भी मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मैंने बोला जो ट्रेन गया है वापस आ जाओ यीशु के नाम में। मैं आपको सच बोलूं, मेरे को भी शक हो गया मैं पागल तो नहीं हुआ है। अरे ट्रेन गया 1 घंटा हो गया, वापस बुलाने से थोड़ी आएगा, लेकिन ट्राई करने से क्या फर्क पड़ता है, मिल गया तो हाथी, गया तो एक गेंदी। मैंने बोला ठीक है वापस आ जाओ यीशु के नाम में, जो ट्रेन गया है वापस आ जाओ यीशु के नाम में। ये लड़का डर गया, वो हिंदू लड़का है, वो डर गया। उसने बोला अंकल, अंकल को क्या हो गया? मैंने बोला विजय तू डरना नहीं है, तू मेरा सूटकेस का ऊपर ही बैठो, मैं वायदा करता हूँ तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, मैं तुम्हें लेके ही जाएगा, मैं इधर भागेगा कुछ करेगा, तू घबराना नहीं, इधर ही बैठना। वो मेरे तरफ देख करके ऐसा करता, मैं चलता था यीशु के नाम में वापस आ जाओ यीशु के नाम में। करीब 1.25 घंटा मैंने ऐसा प्रार्थना किया। 1.25 घंटा प्रार्थना करने के वक्त मैंने देखा एक गाड़ी पीछे आ रहा है, LV लिखा हुआ लास्ट वायर, वो हो सकता है ना कोई नया गाड़ी आ रहा होगा। मैंने साइड में जा करके देखा, उधर लिखा है झेलम एक्सप्रेस नया दिल्ली जम्मू, जो मेरा ट्रेन गया था वो वापस आया है। मैंने देखा वो बड़ा चमत्कार, क्यों? अरे मेरा SSLC मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाने का वक्त नहीं, मेरा ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट दिखाने का वक्त नहीं, मेरा बाइबल स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाने का वक्त नहीं, मेरा बाइबल भी दिखाने का वक्त नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नाम पर बोला है तो जो जीवित हो गया सलीब पर मरने के बाद तीसरा दिन जीवित हुआ है, वही परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। मैं बोलने के वक्त आप भी बोले, आप जाकर के आपका परेशानी से बोले, आपका पति जो उतार नहीं पाया उसको बोले, आपका लड़का जो बदमाश है उससे बोले, आपका लड़की पढ़ती नहीं है उससे बोले, आपका बीमारी से बोले, आपका समस्या से बोले, और आपके लिए हो जाएगा।
मैं मेरा पिताजी 1983 में चीनी का बीमारी का शिकार होकर के मर गया, उसी के कारण नहीं मरा, हार्ट अटैक होकर मर गया, बुढ़ापे में मर गया, 76 साल उम्र था वो मर गया। मैं घर में जाकर के पिता मम्मी को मिलने के लिए गया, मम्मी ने मेरे से बात कर रहा था, थोड़ा देर बात करने के बाद मम्मी ने मेरे को पूछा, बेटा तुम्हें चीनी का बीमारी है? मैंने बोला नहीं। बोला है तुम्हें? मेरे को पक्का मालूम है, तो क्योंकि तू शरीर पूरा खुजली करता है, तू बहुत पानी पीता है, तू बार बार बाथरूम में जाता है, तुम्हें भी चीनी का बीमारी है। मेरे माता जी ने चीनी मेरा खून लिया, हमारे घर में एक लेबोरेटरी रखा है, क्योंकि मेरे पिताजी को चीनी का बीमारी था, मेरे माता जी को भी चीनी का बीमारी है। उसने मेरा खून ले जा करके जांचने के बाद बोला, बेटा तेरा पिताजी मरने के वक्त जितना बीमारी उसको चीनी का बीमार था, जितना बीमार था उतना चीनी का बीमारी तुम्हें भी है। उसने मुझे दिखाया, मैं डर गया, लेकिन मैंने सोचा खुदा मैं क्या करूं, मैं गांव में जाने के वक्त मुझे कोई चाय दे दे, कोई मुझे जलेबी दे दे, कोई मुझे लड्डू दे दे, कोई मुझे चावल दे, मैं कैसा बोलूं मैं नहीं खा सकता हूं और मेरे को अच्छा भी लगता है मीठा। मैंने बोला खुदावन मेरे को एक चमत्कार चाहिए। तब मुझे याद आया, सुनिए यीशु मसीह जब बड़ा आंधी आया है वो किश्ती में खड़ा होकर के समुद्र से कहा शांत हो जाओ, आंधी से बोला शांत हो जाओ। मेरे को मालूम हो गया मैंने भी क्या बोलना है, मेरा बीमारी से बोलना है, मेरा समस्या से बोलना है, मेरा ताकत से नहीं, मेरा मैट्रिक मेरा 10वीं का सर्टिफिकेट दिखाने के वक्त नहीं, मेरा ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के वक्त नहीं, लेकिन जो मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है यीशु का नाम में बोलने के वक्त बीमारी चले जाए। मैं वापस चला गया, पंजाब में रहता था, मैंने जाकर के खेती में चला गया, रात को मेरा बीवी को बोला सो जाओ, खेती में जाकर के प्रार्थना किया, खुदावन मेरे शरीर में जो चीनी का बीमारी है मेरे पैर से जमीन में चले जाए यीशु के नाम में, मेरे शरीर में जो चीनी का बीमारी है हवा में चले जाए आसमान की तरफ। उधर एक झाड़ी था, मैंने झाड़ी को पकड़ा, मैंने बोला यीशु मसीह के नाम में मेरे शरीर में जो चीनी का बीमारी है ये झाड़ी में चले जाए, मैंने प्रार्थना किया। दूसरा दिन मैंने लेबोरेटरी में गया, उधर रानी बोल करके एक लड़की है, मैंने उसको अपने मेरा खून दिया, उसने खून जांचने के बाद बोला पास्टर साहब वो ब्रदर जी बुलाते हैं, ब्रदर जी आपको बहुत शक्कर का बीमारी आप बहुत है, आप ऐसा करना आप जलेबी नहीं खाना, आलू नहीं खाना, चावल खाना नहीं खाना। मैंने बोला मैं कल आएंगे, उसने बोला रोज आने का जरूरत नहीं, महीना में एक बार। मैंने बोला मैं साधारण पेंटिकॉस्टल पास्टर नहीं है, मैं असाधारण, जब तक मुझे चमत्कार नहीं मिलेगा मैं रोज आते रहेगा। उसने बोला ठीक है हमें पैसा चाहिए चाहिए आप रोज आ जाना। मैं दूसरा दिन भी मैंने रात को जाकर के वैसे ही प्रार्थना किया, मेरा थोड़ा जल्दी जा रहा, और तीसरा दिन मैं जाकर के फिर खून दिया दूसरी बार, उसने खून जांचने के बाद बोला जैसा जितना आप चीनी का शिकार था पहले उतना अभी भी आपको चीनी का बीमारी है, आप ये नहीं खा। मैंने बोला मैं कल आएंगे, बोला ब्रदर जी आप रोज मैं आएंगे जब तक मुझे चमत्कार। सुनिए मैं तीसरा दिन चारवां दिन हालेलुया चारवां दिन रात को भी मैंने जाकर के प्रार्थना किया यीशु के नाम में, मेरे पैर में पैर से ये चीनी का बीमारी जमीन में चले जाए, ये चीनी का बीमारी हवा में चले जाए, ये झाड़ी में आ जाए, मैंने प्रार्थना किया। सुनिए पांचवां दिन मैंने जाकर के मेरा खून दिया, आनी ने मेरा खून जांचने के बाद उसने सिर हिला के आके बोला हमको समझ में नहीं आ रहा है, पिछले चार दिन आपको चीनी का बीमारी अब बहुत था लेकिन आज आप चंगा हो गया। कैसा कैसा जो रह गया था, जो विश्वास मुझ में रह गया था वही काफी है, जो यीशु मसीह जीवित है वो आपके लिए भी आज भी काम करेगा और आज भी जीवित है। सुनिए पांच मिनट और दे मेरे को, समझ लो एक बहन अच्छी है, उसको दो बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, वो आने तक वो उनके लिए स्कंजवी बना कर रखेंगे और कुछ नहीं तो रचना बना कर देंगे, नहीं तो कुछ और कुछ पानी पीने के लिए रख देंगे। लेकिन समझ लो एक दिन वो स्कूल गई है बच्चे, लेकिन माँ मर गई, चार पाए पर लेटी है, बच्चे वापस आके जगाएंगे मम्मी हमको रचना दे दो, नहीं उठेंगे नहीं देगा। जब तक वो माँ जिंदा थी वो मदद कर सकती थी, वो मरने के बाद नहीं कर सकते। लेकिन सुनिए मेरा यीशु मसीह मरा नहीं है, मेरा यीशु मसीह आज भी जीवित है, जो प्रार्थना करते हैं उनका मदद करने के लिए, आपका बीमारी से आपको छुटकारा देने के लिए, आपका समस्या से आपको 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 दूर करने के लिए, आपका समस्या को हल करने के लिए यीशु मसीह आज भी जीवित है। वो शनिवार को रात को ऐसे एक शनिवार को रात को वो जीवित हो गया आपको बचाने के लिए, आपको चंगा करने के लिए,
आपका समस्या को दूर करने के लिए।